ऊर्जा सर्वव्यापी ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है, हर व्यक्ति हर चीज जो कि जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था में नहीं, चाहे वो स्टोन है, हमें लगता है स्टोन में तो जान नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है, हर वस्तु में हर कण में एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस आप लोग समझते हैं? हाँ मैडम। तो आपने सुना होगा ऋषि मुनि पत्थरों से बात कर सकते थे, या पेड़ पौधों से बात कर सकते थे, जानवरों से बात कर सकते थे। तो हर चीज को आप अपने पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट कर सकते हो, हर चीज में एक जान होती है। हम लोग अपने घरों से प्यार करते हैं, सब लोग अपने घरों से प्यार करते हैं ना, तो जी मैडम बिल्कुल है ना, तो हमें घर भी अलाइव लगता है। तो हर चीज एक अलाइवनेस से भरी हुई है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी मृत नहीं है। वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि हर चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। साइंस कितने लोगों ने पढ़ी है, साइंस पढ़ी हुई है लोगों ने? मैडम साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है हम, पर 10th 12th में पढ़ा था। तो हर चीज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूमते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं अपना रास्ता। तो वो चीज़ क्योंकि उनमें अपनी एक इंटेलिजेंस है, एक एटम बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत माइन्यूट होता है, पर उस एटम को भी अपना बैलेंस बनाना पता है और वो जागृत अवस्था में है। तो हम अपनी थॉट्स और इमोशंस इसके बारे में पूरा हम पूरा महीना चर्चा करते रहेंगे, थॉट्स और इमोशंस कैसे काम करते हैं, वो ऊर्जा का रूप कैसे ले लेते हैं और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग और चीज़ों को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था हिस्ट्री ऑफ रेकी। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। तो डॉक्टर उसुई जो थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रेकी के बनाए। तो एक उन्होंने प्रिंसिपल जो रेकी का बनाया है वो था जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल इसलिए बनाए कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध आपके शरीर में विनाश रूप ले लेता है, आपकी बॉडी में आपको तंग करता है। क्रोध से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपकी हृदय गति को इम्पैक्ट करते हैं, आपके हार्ट को, लंग्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं। उनमें एक नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी सांस, हमारे ब्रेन पैटर्न्स, हमारे न्यूरॉन्स में टॉक्सिक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। अब दूसरे प्रिंसिपल पे आऊंगी मैं और वो कनेक्टेड है। तो एंगर, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो आपने देखा होगा जब एंगर, जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी घर की वाइब्रेशन बिगड़ जाती है। आपने क्रोध करा, जिस व्यक्ति पे क्रोध करा वो परेशान हो गया, वो परेशान हुआ, वो गुस्सा होके आगे किसी और पे गुस्सा करा, उसका गुस्सा कहीं और गया। आपने शायद एक कहानी शायद सुनी होगी, नहीं तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि एक जो था बॉस था वो अपने जो उसका एम्प्लॉय था उसको गुस्सा आया, उसने एम्प्लॉय को गुस्सा करा कि तुमने काम ठीक से नहीं करा, तुम काम चोर हो, और अपना गुस्सा उस व्यक्ति पे निकाल दिया। अब वो व्यक्ति तो बेचारा एम्प्लॉय था, तो मालिक को वो क्या बोले, तो कुछ नहीं बोला, बट अंदर ही अंदर उबलता रहा। अब उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, जब वो घर में गया तो इरिटेटेड था, गुस्सा था, तो उसने अपना गुस्सा निकाला अपनी किस पे निकाला होगा, बीवी पर। तो उसने अपनी बीवी पे गुस्सा निकाला, दो चार लाते घूसे जो भी होता है मियाँ बीवी में, उसने पूरा गुस्सा बीवी पे निकाला। अब बीवी परेशान हो गई, अब बीवी किस पे निकाले, उसने पीटा अपने बच्चों को। तो मैं आपके लिप्स को रीड कर सकती हूँ, तो आप लिप से भी बोल सकते हैं, उसने पिटाई लगा दी अपने बच्चे पर, बच्चे को क्यों पीटा। अब बच्चा गया पार्क में, बच्चे को आ रहा था गुस्सा, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने किसको मारा, कुत्ते को। तो उसे मारा कुत्ते को, उसने अपना गुस्सा निकाल दिया कुत्ते पे, उसे कंकड़ पत्थर फेंके डंडा मारा, अब कुत्ते को आ गया गुस्सा। तो बॉस जो है कहीं वहीं से जा रहा था, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा होगा, तो कुत्ते ने किसको काटा,
बॉस को। तो ये एक साइकिल पूरी पूरा आप देखो कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए एक गुस्से की साइकिल के अंदर। तो इसको कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। आपने गुस्सा करा, आपने एक अपने एम्प्लॉय को बुरी तरह से डांट दिया, वो लौट के किसके ऊपर आया? उस व्यक्ति को आया, उसको टांके लगाने पड़ गए और वो कुछ दिन घर पे रहा होगा, उसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा, बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। तो ये पूरी साइकिल गुस्से की अगर हम तोड़ दें, अगर गुस्से से ना करके प्रेम से प्यार से वो साइकिल करी जाती तो उसके ऊपर नहीं आता। तो ये जो कर्मास की हम बात करते हैं, तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप भुगतोगे। तो अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हमें अगर इरिटेशन हो रही है और हमने एक किसी भी एक कमजोर इंसान पे अपना गुस्सा निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं लौटकर स्वयं के पास आता है। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो आज के लिए इस प्रिंसिपल को कितने लोग फॉलो करेंगे तो वो अपना हाथ उठाएंगे, फिजिकल हैंड भी उठा सकते हैं, डिजिटल हैंड भी उठा सकते हैं, सब लोग फॉलो करेंगे। इसको अवेयरनेस में लाइए, ये हमें ना ज्ञान की तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान तो मिलता है बहुत, हम लोग जाते हैं और ज्ञान लेते हैं। आज के दिन अवेयरनेस, क्योंकि अब आप रेकी में आ रहे हैं तो आपको अवेयरनेस कॉन्शियसनेस जागृत होना है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली जाते हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं, अवेयर नहीं रहते कि हमने आज प्रॉमिस लिया था और इसको हम नहीं करें। तो आज के दिन हमने क्रोध नहीं करना, इसको एक जागृत अवस्था में प्रैक्टिस करना है अवेयरनेस के साथ। ये नहीं कि इस 2 घंटे के बाद, क्योंकि कल मैं पूछूंगी किसने प्रैक्टिस करा इसको पूरा दिन ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि आपको सबके सामने दिखाना है, ईमानदारी से। तो आज के लिए क्रोध नहीं करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। मैं एक एक प्रिंसिपल पे बहुत डिटेलिंग में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, आपका थॉट्स और इमोशंस का इन्फ्लुएंस पूरे ब्रह्मांड पे आता है। ये जो ब्रह्मांड है, अभी मैंने बात करी थी, ऊर्जा से बनी हुई है, सर्वव्यापी ऊर्जा। तो इस ब्रह्मांड में एक भी वाइब्रेशन होती है तो पूरा ब्रह्मांड को हम मिला देते हैं। तो दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। तो मैं नोट्स के बारे में बात कर रही थी, तो अभी जो है क्या कर रहे थे, चिंता शुरू हो गई, नोट्स मिलेंगे या नहीं, क्या मिलेगा। तो जब आप वरी करते हैं, जब आप चिंता शुरू कर देते हैं, जब आप फ्यूचर में चले गए, जब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये मिलेगा या नहीं, रेकी काम करेगी या नहीं, घर पे आज का खाना मैं ठीक से बना पाऊंगी या नहीं, तो आप वरी करने लगते हो। तो जो फ्यूचर होता है वो कभी नहीं आता, फ्यूचर नेवर कम्स। तो वरी जो है चिंता चिता समान है, आपने सुना हुआ है, प्लीज नोट करें हेड को कि आप, मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है, चिंता चिता समान है। तो क्या कर रहे हो आप वरी करके, चिंता करके, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका करियर बनाएगा या नहीं, वो पास होगा या नहीं, उसको पैसा मिलेगा या नहीं, बहू के साथ बनेगी या नहीं, तो पति को आगे इंक्रीमेंट होगा या नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में कोई हमारे साथ रहेगा या नहीं, बीमारी तो नहीं लग जाएगी। तो ये सब थॉट्स क्या हैं, ये सब चिंता है। तो चिंता जब आप करते हो तो आप प्रेजेंट टेंस में नहीं रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रहते हो। चिंता करने से आप अपने शरीर का नुकसान करते हो। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। तो आप लोग कौन कौन, मैं थोड़ा सा शेयरिंग लेना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं कौन कौन लोग, क्या क्या चिंता, किस चीज की चिंता लगी रहती है, तो आप लोग शेयर करेंगे, चिंता शेयर करिए किस चीज की चिंता है आप लोगों को। सोनाली जी बोलिए। वैसे आपने जो बताया ना, वही डेली रूटीन की हमारी चिंता होती है, बच्चों के बारे में, अर्निंग के बारे में, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके बारे में, ये सब चिंता रोज लगी रहती है। तो अभी हेल्थ की भी चिंता होती है। तो अभी हमने क्या सीखा है, चिंता नहीं करनी है। तो आज के लिए हमने क्या करना है, आज के दिन चिंता नहीं करनी है, चिंता चिंता समान आज के दिन
हमें अवेयर रह के करना है कि हमारा कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे अवेयर रह के सब चीज छोड़ देनी है भगवान के ऊपर, या तो जो होना है होना, ऐसे जीना है। जी श्रुति जी, श्रुति जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते श्रुति जी। बस वो चिंता इसी बात की है कि भाई बच्चों का फ्यूचर, एडमिशंस, या जैसे मेरा बेटा 10th में है तो मुझे अभी उसी की चिंता है भाई वो पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस है तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो पढ़ रहा है तो क्या पोजीशन पढ़ रहा है, और फिर आगे उसका फ्यूचर कैसे रहेगा, एडमिशंस कैसे होंगे। ये मेजर है मेरे लिए, इस पे भी आएंगे। तो अभी हमने बात करी है कि चिंता नहीं करनी, तो हमें रिलैक्स रहना है, तो क्या करना है हमने श्रुति जी? चिंता करनी है नहीं, आज के लिए बोलना है कि आज मैं कुछ नहीं चिंता करूंगी। हाँ, जस्ट फॉर टुडे। हाँ, तो इसको हम एक पॉजिटिव तरीके से डालेंगे कि आज के लिए मैं प्रसन्न रहूंगी, आज के लिए मैं रिलैक्स रहूंगी, आज के लिए लिख लीजिए इसके लिए। तो हम लोग आज के लिए मुझे रिलैक्स रहना है। अगर कंसिडर करो कि आज आप रिलैक्स रहोगे तो आप कैसे कितना काम कर पाओगे अपने जीवन में? शायद जो भी काम चिंता करते करते जो छोड़ देते वो एक्स्ट्रा काम सारे ढूंढ के निकाल देते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो क्योंकि आपकी चिंता से कुछ आप अच्छा कर पा रहे हो अपने बच्चे के लिए? नहीं, कर नहीं पा रहा, उसके ऊपर प्रेशर जरूर दे रहे, बेटा पढ़, नहीं तो फिर एडमिशन कैसे कराऊंगी, पढ़ तूने तो अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो भी रहेगा। तो आपने अपनी चिंता आगे दे दी, बेटे को चिंता में डाल दिया कि वो अगर ये नहीं होगा तो उसका फ्यूचर कैसे होगा। सही कहा। तो आपने आगे, जैसे वो कुत्ते वाली कहानी हमने पढ़ी करी थी पहले, उसमें तो आपने आगे चिंता बेटे को दे दी, बेटा चिंता किसको देगा, दोस्तों को दे सकता है। तो हम चिंता फैला रहे हैं, एक्चुअली में जो थॉट्स हम सोचते हैं वो हम उन्हें ट्रांसमिट करे जा रहे हैं, और वो प्रेशर शायद आप हस्बैंड को भी देती होंगी। कहाँ कहाँ देते हो वो चिंता वरी? हस्बैंड और बच्चे। अपनी चिंता खुद तो आप परेशान हो ही, और आगे उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाइब्रेशन देखिए कि ये वाइब्रेशन जो है चिंता की, एक वाइब्रेशन है, एक एक अपने एनर्जी, एक वेव हमने शुरू कर दी। एक तो हम शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम चिंता की बात करते हैं, तेरा फ्यूचर नहीं बनेगा, तो उसको अभी से थॉट पैटर्न हमने दे दिया कि भैया तू लाइफ में अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे तेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार है अगर तूने पढ़ाई नहीं करी। और क्या ये सच है? नहीं मैम, उतना प्रेशर नहीं है, बस इतना कहा है कि बेटा अगर करेगा तो तुझे ही बहुत फायदा रहेगा, अगर नहीं करेगा तो देन आई कांट ऑल्सो हेल्प, तेरी मेहनत तुझे काम आएगी। उतना भी नेगेटिवली नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो जरूर प्रेशर जरूर दिया है। देखिए नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है ना, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो। और बच्चा जो होता है उसके दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी ये छोटी छोटी बातें चली जाती हैं, तो जो प्रेशर हम देते हैं वो आपने देखा प्रेशर कुकर कितनी ज्यादा सीटी मारता है, कई बार फट जाता है और नुकसान हो जाता है। तो जो प्रेशर आप ले रहे हो कि इसके फ्यूचर का, अभी आने वाले टाइम में मैं बात करूंगी पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव ऊर्जा की, कि रादर देन वरी हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट ले सकते हैं कि आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूंगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आज बच्चे को प्रेशर ना दे के क्या करोगे, आज उसके लिए अच्छा खाना बनाओगे, उसको अप्रिशिएट करोगे। आज के लिए आप सबका होमवर्क है, आप किस किस को अपने कॉपी पेंसिल में लिखिए, आप किस किस चीज के लिए वरी करती हैं। ओके, आप किस किस चीज से लेके चिंतित हैं, आपका बच्चों के लिए चिंतित हैं, अपनी सेहत के लिए चिंतित हैं, ये सब लिखिए, आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं लिखिए, किस किस एरिया में आपको चिंता है। सब लोग लिख रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे सब लोग लिखते हुए। या मैम लिख रहे कि आपका कौन कौन सा एरिया जिसके बारे में आप वरिड हैं, आपको लगता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पे जो लोग नहीं है वो लोग आ जाएं, कोकिला जी, मल्लिका जी,
अंजलि जी सब लोग आ जाइए, आप लोग बहुत सब लोग सुंदर हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करके हमें अच्छा ही लगेगा। वीवो 1902 अपना रीनेम करके अपना एक्चुअल नेम लिख के आ जाइए। तो आप लोग लिखिए कि ये वरी आप लोग करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, वरी करने का इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ हो रहा है, इस चीज़ की अवेयरनेस में लाइए। जो आप चिंता करते हैं, प्रेशर करते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, उसका असर है कि आपका रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। जब आप बच्चे को, क्योंकि हम जो चिंता करते हैं उसका हमें इम्पैक्ट नहीं दिखता, उसका असर नहीं दिखता हमें, तो क्या जिन लोगों को हम अपनी चिंता दे रहे हैं, हम अपना डर, हम अपनी वरी दे रहे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि आपकी चिंता किसी चीज़ को लेके है, उसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे कि मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं कई बार, मैं अपनी मदर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चिंता करती थी, पर जब मैं वरी करती थी अपनी मदर की हेल्थ के लिए, तो मैं उन पर शाउट करती थी कि नहीं तुम अपना ध्यान नहीं देती हो, तुम वर्कआउट नहीं करती हो, और वो बेचारी नर्वस हो जाती थी और परेशान हो जाती थी। तो मैंने अपनी चिंता, क्योंकि मेरे को लगता था इनको कुछ हो ना जाए, तो मेरी चिंता उनके उनको जो है इरिटेट करती थी, उनको परेशान करती थी, और वो थोड़ा सा फिर मुझसे बात करना बंद कर देती थी, वो मुझे अवॉइड करती थी। तो ऐसे ही आपकी जो बच्चा है वो आपको अवॉइड करेगा जहाँ आप ज़्यादा उनको अपनी चिंता उन पर निकालोगे। तो कहाँ कहाँ आपकी रिलेशनशिप पे आपकी चिंता इम्पैक्ट कर रही है, इस चीज़ को आप देखिए, अपने इस चिंता के इम्पैक्ट को देखिए। कहाँ कहाँ आप क्रोध कर रहे हैं और वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, आपको लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, घर के लोग, बच्चे आपसे छुपाना शुरू कर देते हैं, वो आपको झूठ बोल देंगे कि हमने तो पढ़ाई कर ली है, क्योंकि आप उन्हें बार बार कर रहे हो। तो कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे कि आपकी चिंता का असर आपके रिलेशनशिप पे कहाँ कहाँ पड़ रहा है ऑथेंटिकली, क्योंकि जितना आप ऑथेंटिकली शेयर करेंगे उतना आपको अवेयरनेस होगी। क्योंकि मैं ये एक वो नहीं चाहती हूँ, मैकेनिकल कोर्स नहीं चाहती हूँ ये बने, आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो ये मेरी कमिटमेंट है। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपकी चिंता से आप कहाँ इम्पैक्ट डाल रहे हो? एक्चुअली जैसे जब मैं चिंता करती हूं, सुनाई नहीं दे रहा, आप कौन है, नाम बताइए कौन। हेलो, हाँ नमस्ते मैम, मैं श्रुति बात कर रही हूँ। जी श्रुति जी, जी जब मैं ऐसे चिंता करके अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो कभी कभी अगर वो ठीक है, वो संभालिए तो ओके, लेकिन अगर वो किसी और बात पे चिंतित होते हैं और जिसमें अगर मेरी बात ऐड हो जाए, तो फिर वही बच्चों को बुला के डांट के उनको समझाना, या समझाना और कभी कभी उसमें थोड़ी सी डांट भी लगा देना, बेटा तू कहाँ लैपटॉप्स के ऊपर गेम्स में टाइम पास कर रहा है या बच्चों के साथ खेल रहा है, ये तेरा फ्यूचर है। और लेकिन एज अ पेरेंट हमें भी लगता है, क्योंकि बच्चे क्या है ना, थोड़े अपने रूटीन से अभी जैसे ऑनलाइन है बोल के भूल जाते हैं, और वो क्या करते हैं लैपटॉप में काम करते करते गेम्स खेलने लग जाएंगे, चैट करने लग जाएंगे, वीडियोस देखने लग जाते हैं, कुछ और मूवीज देखने लग जाते। तो एज अ पेरेंट कभी हमारा भी काम रहता है कि उनको बार बार रियलाइज कराए कि बेटा नहीं, इट इज योर फॉर फ्यूचर, तुमको अभी 10th है और तुमको अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि बच्चे भटक जाते, इसीलिए हम लोग बार बार बोल के उनको रियलाइज कराने की कोशिश करते कि भाई ये 10th है आपका, आपका फ्यूचर है, इसीलिए आपको पढ़ना है। वो बात तो ठीक है, बट वरी की बात कर रही हूँ मैं कि जो आप कर रहे हो वो तो आप ठीक कर रहे हो, पर आप चिंता से देखिए, जो बैकग्राउंड में चिंता होता है, डेल्सी जी जस्ट गिव मी वन मोमेंट, तो चिंता से ना करके कमिटमेंट से आप एक्शन ले रहे हो। जब चिंता होती है तो आप इरिटेबली बोलोगे, तो दोनों वो हो जाता है कभी कभी सर्कमस्टेंसेस के कारण या कुछ होता है तो हम जरूर उनको डांट लगाते हैं, अरे तेरे को कितनी बार बोलते हैं अक्ल नहीं आ रहा, मतलब डांट लगाने में कोई परेशानी नहीं है, चिंता में परेशानी है। तो डांट तो आप लगा सकते हो, बट जब आप चिंता हो रहे हर समय वरी में रहते हो तो अपने को इम्पैक्ट डालते हो। डांट तो बच्चों को कई बार हम प्रेम से करते हैं, उनकी भले के लिए करते हैं, बट आप हर समय चिंता में रहते हो तो वो आपके लिए कष्टदायक है। थोड़ी सी चिंता रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जैसे मतलब ओबेसिटी भी है, अस्थमा है, तो मैं अपना ट्राई कर रही हूँ अगर डाउन करने के लिए, तो सारा टाइम वही चिंता होती रहती है कि यार
होगा या नहीं, होगा या नहीं बोल के ऐसा, मतलब वो बहुत क्वेश्चंस चलते रहते हैं मेरे दिमाग के अंदर। तो चिंता को चिंता को आप रिप्लेस करिए विद एक्शन, क्योंकि आप चिंता कर रहे हो, एक्शन क्या ले रहे हो ओबेसिटी के लिए, एक्शन क्या ले रहे हो अपनी हेल्थ के लिए? तो कुछ भी नहीं मैम। तो जब आप के, तो इसका मतलब आप तो चिंता में डूबे हुए, आप एक्शन नहीं ले रहे हो श्रुति जी। जी तो कितना आसान है चिंता में जाना और जीवन में एक्शन नहीं लेना। तो श्रुति जी जो हम एक महीने में ये काम करेंगे तो ये एक मैकेनिकल काम नहीं होगा, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको चिंता से मुक्ति करनी है तो हमें एक्शन की तरफ आना पड़ेगा जीवन में। क्या आपको एक्शन लेने चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, तभी तो आपकी चिंता दूर होगी। चिंता से तो आपको हेल्थ नहीं मिलने वाली है, एम आई राइट? चिंता से तो आपका बच्चा पढ़ने नहीं वाला है। तो आप लोग क्या एक्शन ले सकते हैं कि बच्चा पढ़े? तो आप एक्शन लेने वाले, क्या एक्शन लेने वाले हो आज की क्लास के बाद कि आपकी हेल्थ अच्छी हो? और मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एक से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहां हम चिंता करते हैं हम एक्शन नहीं ले रहे होते जीवन में, क्योंकि हमारा, और यही एक ऊर्जा है, ऊर्जा का ये बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि जो वरी की ऊर्जा है, वरी चिंता की जो ऊर्जा है, वो हमारा फोकस हो गया कि ये काम नहीं होगा, मेरी हेल्थ क्या होगी, राधर देन मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकती हूँ। तो आपका फोकस बीमारी पे है, आपका फोकस हेल्थ की तरफ नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा, इसको ये ज्ञान की तरफ नहीं लेंगे, इसमें आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को जरा चलाएंगे कि मैं अपना लाइफ में वरी कर रही हूँ या मैं एक्शन ले रही हूँ उस चीज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। Did you get it? आपको मिला मैं क्या कह रही हूँ? Yes, madam. ठीक है, डेल्सी जी आप क्या कहना चाहती थी? Yes, ma'am. Actually, ये जो चिंता की बात हो रही है ना, तो जो चिंता एंजाइटी से ही मुझे आज से 6 महीने पहले शुगर आया है। बताइए। अभी नॉर्मल आ रहा है, शुगर और थायराइड दोनों है। थायराइड मुझे 4 साल से और शुगर लास्ट 6 मंथ से है, 6 से भी ज्यादा। तो मैंने लॉकडाउन में सब योग और सब करके मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो चिंता से बहुत बहुत देखिए सेहत के साथ हम खेल। और आपने जैसे बोला ना रिलेशनशिप, तो मेरा चिंता का जो है सब्जेक्ट वही है रिलेशनशिप। मेरा अभी 1 वीक पहले ही डाइवोर्स हुआ, तो वो मैं बहुत उसमें डिप डाउन डिप्रेशन में चली गई। तो डेल्सी जी, रेकी का मेरा रीजन ये सीखने का यही है कि मुझे इसमें से बाहर आना है। तो डेल्सी जी देखिए, अब आपका फोकस कहाँ है कि डाइवोर्स हो गया, मैं अकेली रह गई, राइट? और आप क्या चाहते हो सॉल्यूशन भी है, और फ्यूचर का क्या चिंता है आपको? क्या होगा, क्या होगा मेरा भी आगे, क्या होगा? आई एम 35 years old, तो ये सब वरीज होती है। सब बोलते है ना कि अभी लाइफ अकेले नहीं निकलती, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए लाइफ में, वो सब बोलते हैं, तो हम हमारे दिमाग में चिंता है। हाँ, तो एक ये बहुत अच्छा जो चला हुआ है हमारी सोशली एज ह्यूमन बीइंग्स कि सब वरी, सब डराते हैं। एक्चुअली हम एक दूसरे को डराने का काम करते हैं कि क्या होगा, तुम अकेले रह गए हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या होगा क्या होगा? होना तो वही है जो मंजूर खुदा होगा, एक दिन सबने जाना ही है। बट लेकिन डरा डरा के जीवन क्यों जीना है? एक दूसरे को डराने का हम काम कर रहे हैं, मतलब एक डर और वरी की एनर्जी हम दे रहे हैं, तो वो एनर्जी से बचना चाहिए। अब डेल्सी जी अपने जीवन में देखिए कि आपको एक्शन, अगर आप चाहते हो कि मैं जीवन में डाइवोर्स होके चुका है और मैंने जीवन में वरी नहीं करना, मैंने खुश रहना है और मैंने अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढना है, तो आपका जो फोकस ऑफ माइंड है वो कहाँ होना चाहिए जेलसी जी? यस मैम, फोकस कहाँ होना चाहिए? अभी तो मैं मेरे करियर में फोकस कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम डूइंग जॉब इन रिलायंस डिजिटल एज अ सीआरएम मैनेजर, तो मेरा फोकस उसमें भी अभी ज्यादा हो गया है कि डिपार्टमेंट मैनेजर में बन गई हूँ उसमें, तो आगे उसमें बढ़ना है। और साथ में ये भी कोई लाइफ पार्टनर कोई अच्छा हो तो वो
लाइफ में होगा ही, भगवान सब अच्छा ही करेगा, लेकिन थोड़ा डर रहता है फ्यूचर का कि क्या गलत बंदा ना मिल जाए, राइट। तो हमें चिंता फ्यूचर की लगी हुई है। तो जब हमारा हमारे बैकग्राउंड में हमारे माइंड में चिंता से हम ऑपरेट कर रहे हैं कि अरे एक बार मेरे साथ बुरा हो गया, दोबारा बुरा ना हो जाए, तो यही एनर्जी चले जा रही है, यही वरी की चिंता कि दोबारा गलत ना हो जाए, दोबारा गलत ना हो जाए, तो लाइफ में क्या होगा। क्योंकि अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो हम सोचते हैं, जो हम इमोशंस लेके बैठे होते हैं, वो बॉडी में बीमारी। आपने डायबिटीज़, देखिए हम कितने बड़े क्रिएटर हैं, हमने डायबिटीज़ भी क्रिएट कर ली अपने लिए। तो जब आप कल हम कल के सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही करेंगे काम कि कैसे हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। तो चिंता ना करने की जगह हमारा जो फोकस ऑफ माइंड है कहाँ होना चाहिए कि आई विल गेट अ वेरी गुड पार्टनर इन लाइफ, मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, और मैं जो हूँ जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर पाऊंगी। तो वहाँ पे होनी चाहिए एनर्जी, रादर देन कि जो हो गया सो हो गया। देखो वरी जो होता है, इंसान जो है पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर आने वाला है, पास्ट चला गया है, जीना हमें प्रेजेंट मोमेंट में है। ना आप फ्यूचर में जी सकते हो ना आप पास्ट में जी सकते हो। तो जो वरी है वो हम पास्ट पे बेस्ड फ्यूचर में डाल देते हैं, पिछली बार ऐसा हुआ था तो आगे भी जीवन में ऐसा होगा। जब आप पास्ट में रह के पास्ट की नेगेटिविटी को पकड़ के फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे साथ दोबारा गलत आदमी ना मिल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम तो पास्ट में ही अटके हुए ना, पुरानी चीजों में ही अटके हुए हैं। तो आगे फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं होने वाला जब हम वरी करके नए व्यक्ति को ढूंढेंगे। तो हम पुराने चश्मे से नए व्यक्ति को देखेंगे और पुराने चश्मे से ये देखेंगे अरे ये उस व्यक्ति के ऊपर सस्पिशन रखेंगे कि भैया ये बंदा ठीक है या नहीं, इसको मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे कि इसमें ये कमी तो नहीं है, वो कमी तो नहीं है, तो वो रिलेशनशिप को आपको इम्पैक्ट करेगा। रादर देन वरी अबाउट द फ्यूचर, एक्शन ले, लोगों से मिले। आप 35 ईयर ओल्ड हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, और किस चीज़ का डर है? आपने डिवोर्स से आप निकल आए हो ना, तो डर क्यों है कि दूसरा बंदा भी ऐसी मिलेगा? तो डर को छोड़ना पड़ेगा, वरी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वरी में तो लाइफ आपकी हर समय वरीड रहेगी, वरी का तो पैटर्न है। अगर एक बार आपको अच्छा बंदा नहीं मिला तो जरूरी थोड़ा दूसरी बार भी नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह वरी को छोड़ के क्रिएशन की तरफ जाना पड़ेगा कि हाँ एनीथिंग इज पॉसिबल, मैं जीवन में नया व्यक्ति क्रिएट कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पाँव पे खड़ी हूँ, किस बात की चिंता है? समझ रहे हो आप? तो अभी तो वरी को छोड़ के कि उससे रिलेट करना कि मैं पावरफुल हूँ और मैं फ्यूचर क्रिएट कर सकती हूँ, एक नया पार्टनर जो अच्छा होगा, लविंग होगा और मेरे को सपोर्ट करेगा, तो वरी को छोड़ना पड़ेगा। शुरू करें अब हम नेक्स्ट ले जो है पोजीशन लेग्स की, नीज की, काफ मसल्स की। तो नेक्स्ट पोजीशंस लेग्स पे काफ मसल्स, जैसे ये थाइज है हमारे, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, पाँव के सोल्स, ठीक है? ये पोजीशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप करिए और फिर उसके बाद हम दोनों कंधे ऐसे भी कर सकते हैं, कंधे क्लियर हो रही है पोजीशंस। फिर बैक हार्ट चक्रा, दोनों हाथ पीछे, बैक हार्ट चक्रा। मैम ये लेट के करना है या बैठ के? आप बताइए कैसे कर पाएंगे, लेट के तो आपके पांव नहीं जाएंगे ना, हाथ नहीं जाएंगे पांव तक, जब तक आप योगा, जो लोग योगा चाह रहे हैं वो लोग शायद कर पाए, आई डोंट नो, जिन लोगों ने योगा कर रखा है वो कुछ भी पोजीशन ले सकते हैं, बट ज्यादातर तो आप बैठ के ही कर पाएंगे ये वाली पोजीशंस। तो ये पोजीशंस आप ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? तो सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ के करेंगे ये थाइस वाली पोजीशंस, आंखें बंद रहेंगी, रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल करेंगे कि हे रेकी के देवी देवता आप मौजूद रहें, हाथों को रब करेंगे,
दोनों हाथ थाइस पे, आंखें बंद। एक बार में एक हाथ हटा के दोनों नीज, दोनों घुटने। दोनों घुटने दोबारा कर लीजिए, घुटने कर लीजिए दोबारा। Thank you.
एक बार मैं एक हाथ हटा के काफ मसल्स पिंडलियां जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे आप हाथ रख सकते हैं। दोनों कंधे एक बार में एक हाथ हटा के दोनों कंधे बैक हार्ट चक्र एक बार में एक हाथ हटा के बैक हार्ट चक्र दोनों हाथ कमर के पीछे अब धीरे धीरे हाथ हटा के हाथ उठा के रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को थैंक्स करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। कैसा फील कर रहे हैं? रिफ्रेश्ड? यस मैम। तो ये आपने अगर कोई एक बार में कर सकता है तो एक बार में करे और दो बार में चाहे तो दो बार में कर सकते हैं जैसे आज हमने किया है। तो ये हमने रोज करना है, एक आज तो कर ही लिया है। और आप लोग में से कौन दूसरों को हीलिंग देना चाहते हैं? कि लोगों के तैयार हैं लोग तो आपका जो व्यक्ति है उसको आप लिटा देंगे, जिसको आप हीलिंग देना चाहते हैं उसको आप लिटा देंगे या बैठा देंगे, बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो आप बैठ के भी उसे लेटा के सबसे अच्छा रहता है, वो लेटा रहेगा और आप बैठे रहेंगे, समझ गए आप? तो मैं आपको दिखा देती हूँ करना है हीलिंग या नहीं। आप करोगे हीलिंग? 5-10 मिनट के लिए करते हैं हीलिंग आप। हाँ, तो आपकी आंखें बंद रहेंगी और जैसे ये है इसको बच्चे को हम हीलिंग करेंगे। इसको मैं दिखा रही हूँ, इसको मैंने बैठा दिया है और जो भी प्रॉब्लम एरिया जैसे थकान है या कुछ भी है तो आपने रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल करना है कि हे, और अपनी हीलिंग करने के बाद दूसरों की हीलिंग करनी है। तो मैं तो खड़ी हुई हूँ क्योंकि डेमो देने के लिए खड़ी हुई हूँ, बट आप बैठ के ही करोगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस इस तरह से नहीं है कि मैं बैठ सकूं। तो जनरली आपका जो पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो फैमिली मेंबर है, उसे आप बैठा सकते हो या लिटा सकते हो। अब मान लीजिए उसको हेड में सर में दर्द है तो आपने रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल किया, अपने हैंड्स को रब करा और अपने हाथ 10 मिनट तक उसके हेड पोजीशन पे रख के उसको हीलिंग करेंगे। इवन माय कोई कर रहा है हीलिंग? क्लियर है आपको? या यहाँ पे भी यहाँ दर्द है तो यहाँ करेंगे, कंधों पे दर्द है तो कंधों पे करेंगे, या लेग्स में है तो थाइस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपना। थैंक यू मैम। इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी किसी को करना है प्रैक्टिस, सबके पास है, या फिर हम इसको स्किप करें? आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे बाद में? हम लोग ट्राई करके आपको बताएंगे कल कि हमने किया। ठीक है, तो आप लोग आज जैसे हम किसी को रेकी दे रहे हैं तो उस टाइम हमको मन में खोलना रहता है। आपकी आंखें बंद होंगी और आपको मन में एफर्मेशन कर सकते हो कि ये स्वस्थ है, ये पॉजिटिव है, स्वस्थ है, रिलैक्स है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वो स्वस्थ है। मतलब अगर डायबिटिक है तो वो पैनक्रियाज उसके स्वस्थ हैं, लीवर का इशू है तो लीवर स्वस्थ है। तो ये आप एफर्मेशन बोल सकते हैं और आंखें बंद रहेंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आंखें बंद रहेंगी। और मैम जैसे अभी हम सेल्फ हीलिंग कर रहे थे, जब हम बैक साइड पे कर रहे थे, जो नेवल का बैक साइड है, जब उस पोजीशन पे मैं कर रही थी ना
तो मुझे कंटिन्यू बर्पिंग आ रही थी ओनली उसी पोजीशन पे, नीचे गए या ऊपर गए तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, लेकिन जब उस पोजीशन पे ना okay, जो आ रहा है बॉडी में आ रहा है, नेचुरल है, जो भी बॉडी में हो रहा है वो नेचुरली तो है, आपकी बॉडी में कुछ निकल रहा है बर्पिंग से, कुछ ना कुछ इनडाइजेशन होगा वो निकल रहा है. मैम एक्चुअली मुझे कंधे के बात का जो आपने हीलिंग बोला ना वो समझ में नहीं आया था. कंधे के बाद बैक हार्ट चक्र, बैक हार्ट चक्र, बैक नीचे पीछे पीछे रखना है, दोनों पीठ पे, पीछे पीठ पे बैक हार्ट चक्र, जो आगे हार्ट चक्र था इसके जो आगे हार्ट चक्र है ऐसी बैक हार्ट चक्र है पीछे. ओके मतलब सारे जो भी करना है वो पीछे से ही करना है, मतलब हम लोगों को नाभि के नीचे वाला भी स्वाधिष्ठान चक्र भी पीछे से करना है. हाँ, जो बैक की पोजीशन वो पीछे करनी है. तो सामने वाले को उल्टा देना है, उल्टा ना मैम, थोड़ा धीरे से. क्या क्या बोल रहे हो आप? जब भी पीछे का हम लोग रेकी करेंगे पेशेंट को उल्टा लेके करना है ना, उल्टा सीधा, जैसे भी उसको कंफर्टेबल हो, आपको कंफर्टेबल हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, मेन चीज है कंफर्टेबल. और एक चीज कई बार ऐसा होता है कि हमने जहाँ हाथ रखे, मान लो हमने हाथ रखे गले पे, प्रॉब्लम है पेट में, तो रेकी वहां भी चली जाती है जहां उसे जाना है. तो रेकी अपने आप में एक इंटेलिजेंस है, तो अगर आपने हाथ यहाँ भी रखे हैं तो वो पेट में भी जा सकती है. और कई बार ये है कि आपने यहाँ हाथ रखे बट आपका कई बार बीमारी पेट में है, तो आपका मन करेगा पेट पे हाथ रखने का. तो रेकी से एक तरह से का मैग्नेटिज्म पेशेंट और आपके हाथ के बीच में, बॉडी और आपके हाथ के बीच में एक मैग्नेटिज्म धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा. आपको बॉडी में पता लगने लगेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट ने बताया नहीं है तो भी. जिसको हम देखी दे रहे हैं उसको आँख बंद रखनी है कि नहीं रखनी? आप बताइए. बताया नहीं आपने, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए थोड़ा. वो आँख बंद करके करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली. मैं चाहती हूँ आप लोग खुद अपने उसे लॉजिक आपके पास है तो आंसर्स हैं आपके पास. तो एक चीज आप समझिए, जब हम आंख ही क्यों बंद करते हैं, कोई जवाब देना चाहता है इसका, कोई किसी के पास आंसर है? आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ध्यान कहीं और नहीं होता. वेरी गुड. और पेशेंट का भी ध्यान, क्योंकि अगर आप आंख खोलते हैं तो क्या होता है, आंखों से ऊर्जा निकल के बाहर की तरफ जाती है. इस समय मैं आपको देख रही हूँ तो मेरी आंखों की ऊर्जा आपकी तरफ बह रही है, तो इस समय मैं कुछ और कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. पर जब मेरी आंखें बंद हैं तो यही जो ऊर्जा बाहर बह रही है वो अंदर की तरफ होती है. आप समझो एनर्जी, क्योंकि हम जहां जहां जो आंखें, अगर हम कान से सुनते हैं, कान से अगर बाहर की आवाज सुन रहे हैं तो बाहर ऊर्जा जा रही है, क्योंकि ध्यान वहां जा रहा है. एनर्जी फ्लो, जहां आपकी थॉट है वहां एनर्जी फ्लो करती है. याद है आपको, एनर्जी फॉलोज थॉट, ऊर्जा आपके विचारों को फॉलो करती है. तो जब आंखें खुली हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर फेंक रही जा रही है, आंखें बंद है तो ऊर्जा आपकी बॉडी में जा रही है आंखें बंद करके. तभी रात को सोते क्यों हैं? रात को आंखें बंद करके सोते हैं तो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर जाती है. क्लियर है आंखें बंद करने का? और आपके पेशेंट की भी आंखें बंद होगी. और हाँ, एक मजेदार चीज होती है, जब आप पेशेंट को हीलिंग कर रहे होते हो तो खर्राटे भरने लगता है, उसे नींद अच्छी आ जाती है, तो ये अच्छा साइन है, इसमें आप परेशान ना हो. जब वो उठेगा तो एकदम फ्रेश और बहुत पॉजिटिव. तो कितने लोग आज हीलिंग करेंगे दूसरों की? वेरी गुड. मैं कर, तो कितनी देर हीलिंग करनी है दूसरों की? 15 मिनट्स. अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो कितनी देर करोगे? हाफ एन आवर. हाँ, तो प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं. और अगर आपके पास आज समय है तो अपनी भी हीलिंग थोड़ी देर और ज्यादा कर सकते हैं आप. तो आज हमारा रेकी वन कंप्लीट सा हो गया है. आप लोग ग्रुप हीलिंग, आप लोग कोई आसपास रहते हैं? आप में से कोई आसपास रहते हैं? कोई नहीं रहता आसपास. तो अगर टच हीलिंग में, अभी डिस्टेंट हीलिंग में तो हम करेंगे ग्रुप हीलिंग, बट टच हीलिंग में अगर एक ही परिवार का दो व्यक्ति रेकी के चैनल हैं और एक व्यक्ति के कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो दो लोग उसकी बॉडी को टच करके हीलिंग दे सकते हैं, उसको हम ग्रुप हीलिंग बोलते हैं. तो जैसे मम्मी पापा हैं, दोनों को हीलिंग आती है, बच्चा बीमार है तो दोनों ने हीलिंग करी तो कर सकते हैं.
तो जैसे बुखार वगैरह है तो बुखार के लिए आप चक्रास पे हीलिंग कर सकते हो, तो और अगर टांगों में दर्द है तो सीधा टांगों पे हीलिंग कर सकते हो, बैक पेन है तो जहां जहां पेन है वहां पे हीलिंग कर सकते हो। तो इसका एक कोई भी फिक्स्ड नहीं है, बट जो एक रूल है कि आपने थोड़ा थोड़ा चक्रास पे कर दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया कहाँ करना है तो आपने एक एक मिनट चक्रास को कवर कर लिया और फिर प्रॉब्लम एरिया को भी कर सकते हो। क्लियर है ये मैडम? लेकिन हमने जब चक्र का जब उस दिन जो किया था चक्र के ऊपर फोकस करके, उसका जो इफेक्ट और हीलिंग और रिलैक्सेशन था वो आज जो करवाया इससे डबल था पे उसका, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। देखिए सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि और ये भी जरूरी नहीं है जिस दिन आपको चक्र पे ज्यादा अच्छा लगा हो उस दिन नेक्स्ट डे हो सकता है आपको चक्रा पे उतनी अच्छी हीलिंग नहीं मिली हो। कि किसी ने शेयर करा था वेडनेस, धर्मेंद्र जी ने शायद, कि वेडनेस के बाद होता है एनर्जी फील नहीं हुआ। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 6-6 मिनट 5-5 मिनट अपने 7 चक्रास पे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों टेक्निक्स दे दी हैं, ज्यादातर रिकमेंडेड होता है कि आप फुल बॉडी हीलिंग करिए, अब आपकी चॉइस है, पर लेकिन ये रोज 21 दिन करना जरूर है। तो दीपक जी आप 2-3 दिन अगर लगातार फुल बॉडी हीलिंग करोगे तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। आप रेगुलरली करके देखिए फुल बॉडी हीलिंग। ज्यादातर सब लोग जिसके पास समय नहीं है, कई लोग बहुत कंप्लेन करते हैं टाइम का इश्यू है, वो लोग 3-3 मिनट 7 चक्रास का हीलिंग करें, पर मिस आउट बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है ये बात? मैम मुझे पूछा था किसी को अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है जैसे पैरालिसिस है किसी को ऐसा कुछ है तो उसको कैसे दे सकते हैं? टॉवल है ना तो मुबारक आप बात कर दी तो पिक्चर म्यूट करिए, मुंह म्यूट करिए जो बोल रहे हैं, म्यूट करिए अपने आपको। पिंकी जी आप बताइए, जो पैरालिसिस होता है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है और कौन सा इफेक्टेड एरिया है, कौन है वो व्यक्ति? मेरे पेशेंट है, मैं योगा करवाने जाती हूँ ना, प्राणायाम उनको है, तो उनको आपको रेगुलरली देना पड़ेगा हीलिंग। 21 दिन से 3 महीना भी लग सकता है ना, और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, और जरूरी भी नहीं है कि वो पूरा ठीक हो। तो इट रिजल्ट्स विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। जो ज्यादा क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें 21 दिन से 3 महीने लग सकते हैं। तो आप उनके ब्रेन पोजिशन पे देंगी, ब्रेन पोजिशन पे देंगी, और पैरालिटिक कौन कौन सा एरिया उनका? राइट साइड का पूरा है और बोल नहीं सकते, पेट पे नहीं है पर वो बोल नहीं सकते। तो आप उनकी ब्रेन एरियाज को कवर करेंगी, क्राउन चक्रा को कवर करेंगी, थर्ड आई चक्रा को, जो 5 पोजीशंस थी हेड की उनमें ज्यादातर दीजिए, क्योंकि वहां से वो जो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन करता है, तो ब्रेन पोजीशंस पे, और थोड़ा थोड़ा आप बॉडी को भी दे सकते हो। पर लेकिन ये लंबा इलाज चलेगा, ये पेशेंटली आपको देना पड़ेगा। अच्छा तो ये रहता है कि उसके घर जो आपकी पेशेंट है उसका कोई घर का मेंबर सीकर उसे रेकी करे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ग्रुप हीलिंग, जो लोग क्रॉनिक बीमारियां इस तरह की, 3-4 लोग कम से कम उसे 3-4 घंटे हीलिंग की जरूरत है एवरी डे। तो मतलब 1 घंटे से भी, हाँ, तो वो ग्रुप हीलिंग हो उसकी और 3-4 घंटे और फैमिली मेंबर्स दें तो जल्दी ठीक होगा जी। और बताइए और कौन क्या पूछना चाहता है? संगीता जी, मैडम नमस्ते। मैडम ये जो 21 दिन करना है कंटिन्यूअस, इसमें मतलब स्पेसिफिक कोई टाइम रखना है या कोई भी टाइम पे कर सकते हैं? आप बताइए आपको क्या टाइम सूट करता है। टाइम तो मैडम ऐसा होता है ना, कभी ये लगता है कि ये स्लॉट में ये करेंगे, सडनली वो स्लॉट में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो कभी कभी छोड़ना पड़ता है। देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग है ना प्रेजेंट रहा करिए पूरे सेशन में, क्योंकि मैंने ये 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को कि आप कोई भी टाइम हीलिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग में जिसको जो सूट करता है वो टाइम जो है वो अपना ले सकता है। ये बात मैं 2-3 बार पहले बोल चुकी हूँ, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम से जब मर्जी कर सकते हैं, बट विद इन 24 आवर्स। जैसे आपने आज करा है, आज समझिए 9-10 बजे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में दूसरी बार हीलिंग जरूर कर लें।
अपने शरीर के लिए एक मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग ऑफ द बॉडी, तो उसको आपने सुनना है। तो सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और इसको सुनना है और अपनी बॉडी को वो पॉजिटिव एनर्जी देनी है। सब लोग तैयार हैं और आंखें बंद कर लें। पूरी हेल्थ मंत्रा के दौरान आप अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। कंफर्टेबली बैठें। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस मैडम, बहुत बहुत रिलैक्सिंग एंड रिफॉर्मिंग। फर्स्ट पार्ट वाज रिलैक्सिंग, सेकंड पार्ट वाज रिफॉर्मिंग एंड जस्ट फीलिंग अ न्यू एनर्जीज कमिंग इन माय लाइफ। वेरी गुड। हां जी सोनाली जी बताइए। जब मैं हमने स्टार्ट किया ना तब वो डीप ब्रीथ कर नहीं पाती थी, इतना हम जोर लगता था। बाद में धीरे 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 इतना रिलैक्स हो गया, पूरा बॉडी भी इतना रिलैक्स हो गया, गहरी सांस भी इतनी अच्छी तरह से अभी आ रही है। वेरी गुड। और so, आंखें खुलने का मन नहीं कर रहा था। या, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो ये आप लोगों को मैंने लिंक भेज दिया है, तो आप लोग मेरे वीडियोस पे कम से कम अपना जो मैं आपको चक्रा मेडिटेशन जो मैंने भेजा था, कितने लोगों ने सुना है चक्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जो फर्स्ट या शुरू में करवाया था। वेरी गुड। तो आप लोग प्लीज कमेंट तो लिख दिया करो नीचे चक्रा कि ये वीडियो आपको कैसा रहा। मैं आपको जो संगीता हीलिंग टेम्पल्स का जो चैनल है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी, तो प्लीज आप लोग उसमें कॉमेंट्स जरूर डाला करो ताकि उससे एक रेटिंग भी अच्छा होता है और आपको इंटरैक्टिव भी रहेगा, मुझे भी पता रहेगा कि आप लोगों ने देखा है। अगर आपको कमेंट डालोगे तो कौन कौन लोग कमेंट डालेंगे आज क्लास के बाद वीडियोस देखेंगे ये वाला जो वीडियो है आज, प्लीज थैंक यू वेरी मच। तो ये जो वीडियो है इसका लिंक मैंने डाल दिया है ग्रुप में, तो आपने जो है उसमें सबने कमेंट डालना है, ठीक है। और बाकी वीडियोस भी जो चक्रा मेडिटेशन है उसमें भी कमेंट्स वगैरह डालते रहा कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो थोड़ा ये है मेरा रैंकिंग भी अच्छा होगा ना, तो गूगल मुझे लगेगा आप लोग मुझे पसंद करते हैं, गूगल भी मुझे पसंद करने लगेगा। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरे को ये पूछना था हम सोते हुए ये कर सकते हैं? वी कैन डू इट बाय कर सकते हैं ये ड्राइविंग करते वक्त नहीं करना है बस। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो नहीं सुनने का है, प्लीज ये ध्यान रखना, सिर्फ उसी समय नहीं सुनना है क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट जो आपने जो बताया इट वाज जस्ट लाइक योग निद्रा का जो हम सिचुएशन लेते हैं वैसे योग निद्रा का पोजीशन आएगा, जस्ट आंख नींद में आ जाती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट आपने जो करवाया वो उससे ज्यादा एक रिफॉर्मिंग बॉडी में आता है कि नाउ इट इज क्योरेटिव स्टेज, सो जहां जहां भी हमको प्रॉब्लम है दैट इज गोइंग टू बी क्योर्ड इन दिस टाइप ऑफ द टॉकिंग। और लास्ट में क्रिकेट के आगे सस्सी में आ गए तो पता नहीं अभी कहाँ जाएगा, हमको कुछ भी नहीं पता। ये कौन बोल रहा है कुछ समझ नहीं आया, कहाँ लेके जाएगी हमें कुछ नहीं पता, बस अभी तो वी आर जस्ट फॉलोइंग कर्मा। आप फोन पे बात कर रही हैं क्या? प्लीज फोन म्यूट कर लीजिए अपने आप को, फोन पे बात कर रही हैं तो पता नहीं कोई डिस्कशन और चल रही है। एनीवेज तो ये जो आई गिव यू नंबर ले लो बात कर लो। मैम प्लीज अपना वीडियो अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज यू आर डिस्टर्बिंग द होल होस्ट बन जाइए और सबको अनम्यूट कर दीजिए। नहीं अंकित जी है ना होस्ट, अंकित जी म्यूट कर दीजिए, डायरेक्ट बात कर लो, हम लोग जैसी है ना तो सबको अच्छा समझ। अंकित जी म्यूट कर दीजिए, लड़की को दिखाना था नेहा का, प्लीज आप गप्पे आपको गप्पे मारने तो प्लीज आप लीव कर दीजिए नेहा का। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द होल, सुन नहीं रही फोन पे बात रहे। अंकित जी इनको म्यूट करिए, ये म्यूट हो सकती है यहाँ से, बहुत शोर मचा रहा है, पता नहीं चल रहा कौन है। मैडम आप होस्ट है ना, आप कर सकती हैं। वंदना गुप्ता से आ रही है आवाज, ऐसे स्पीकर पे दिखा रहा है कोई, वंदना गुप्ता की आवाज आ रही है। वंदना गुप्ता ये रही, ऑफ है इनका तो, इनका तो म्यूट दिखा रहा है।
आगे देखेंगे अभी अभी किया होगा, अभी आवाज आ रही थी ना तब उनके स्पीकर पे आवाज आ रही थी, ग्रीन मैसेज दिखा रहा है। देखिए प्लीज अगर आप लोगों को कुछ और करना है तो आप कर लीजिए, बट म्यूट करके अपने आप को करिए, क्योंकि यहाँ पे आप 100% रहेंगे तो ही आपको बाकी लोगों का ध्यान रखें, तो ये दोबारा ना हो। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब सारा कॉन्सेंट्रेशन चल रहा था मेरे दिमाग में, वो चल रहा है तो दिक्कत होती है, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, तो आप प्लीज ऐसा मत करिए। तो हाँ जी, तो अब हमें ना सेल्फ हीलिंग करेंगे, वो जो है ना म्यूजिक लगाना है, हमें शेयर करेंगे तो, हाँ अभी जूनियर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कि चोकरे और सेहकी किस किस को याद है, क्योंकि अब हमने ना 7 चक्रास पे 6-6 मिनट हीलिंग करना है, तो रेकी बेल 6 मिनट पे मतलब 3 मिनट पे बजेगी, तो 2 बेल्स पे हमने 7 चक्रा का हीलिंग करना है, सेल्फ हीलिंग में सिंबल्स करना है अब हमने चोकरे और सेहकी से। तो विजुलाइज किस किस को याद है चोकरे और सेहकी और किसको याद नहीं है, आप विजुलाइज कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, कर सकते हो विजुलाइज सेहकी, सेहकी विजुलाइज कर सकते हो आंखें बंद करके उसको महसूस कर सकते हो। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि सबको याद आ जाए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। तो सब लोग एक बार आंख बंद करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि चोकुरे बना हुआ है यहाँ पे, सर पर बना है, क्राउन चक्रा पे। जब हम याद है सेल्फ हीलिंग कर रहे थे, तो सब लोग सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं ना, तो विजुलाइज हो रहा है यहाँ पे, एक बार हाथ रख के विजुलाइज करेंगे, एक बड़ा सा चोकुरे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो यहाँ पे बड़ा ऐसे डायरेक्शन में चोकुरे बना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे और 6 मिनट तक हीलिंग देंगे। फिर 6 मिनट के बाद एक बार में एक हाथ हटाते कप शेप क्राउन चक्रा पे आएंगे, लेट भी सकते हैं आप लोग, लेट के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे चोकुरे चोकुरे, एक बड़ा सा चोकुरे बना है जो दोनों साइड पे कवर कर रहा है, आप चाहे तो 2 छोटे चोकुरे भी कर सकते हैं, एक आगे और एक पीछे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, बरोड़ा ना जान। मैं मन में ऐसे विजुलाइज करना है ना, मन में करना है, जोर से नहीं बोलना, विजुलाइज भी मन में, आंखें बंद करके फील करना है, महसूस करना है यहाँ बना है, और फिर सेहकी सेहकी सेहकी, फिर थ्रोट चक्रा पे चोकुरे सेहकी, फिर आपके हृदय चक्रा पे चोकुरे सेहकी, हृदय चक्र पता है ना सबको, फिर आपका मणिपुर चक्रा पे चोकुरे सेहकी, फिर नाभि से नीचे चोकुरे सेहकी, और रूट चक्रा पे चोकुरे सेहकी, और उसके बाद आधा घंटा प्रॉब्लम एरिया पे। तो सबके पास अपना प्रॉब्लम एरिया है, आधा घंटा प्रॉब्लम एरिया पे करेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं मुझे नहीं पता मेरा प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड, क्या प्रॉब्लम है? रेकी अपने आप चली जाती है। हाँ, मैम एक अजीब सा खींचाव शरीर में हमेशा बना रहता है, जिसकी मैं स्कैनिंग करता हूँ, लेकिन वो कभी स्कैनिंग में आता नहीं है, कहाँ से हो रहा है? तो गले आप में, गर्दन में। हाँ, तो गला और गर्दन है तो सही आपका प्रॉब्लम एरिया, लेकिन वहां से भी वो ठीक नहीं होता है। आप वहाँ पे हाथ रख के हीलिंग करेंगे आधा घंटा, तो ये लगभग हमें लगेगा 40 मिनट्स × 30 मिनट्स, लगभग 1 घंटा 10 मिनट। हाँ जी मैम, प्रॉब्लम एरिया कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तकलीफ है जो है, जहाँ पे फिजिकली प्रॉब्लम है वो। हाँ जी, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो वो या मेंटली, दोनों में से कोई भी, मेंटली अगर है, मेंटली आप स्ट्रेस में रहते हैं तो यहाँ पे करेंगे, अगर आप परेशान रहते तो यहाँ पे करेंगे, और फिजिकली तो आपको पता ही है शरीर में कहाँ पे होगा। तो ठीक है, तो पहले पहला स्टेप है, पहला स्टेप है रेकी के देवी देवताओं को आह्वान करना है। करेंगे आप सब लोग तैयार हैं? एवरीबॉडी रेडी कि हे रेकी के, कैसे भी मुद्रा में कर सकते हैं, प्रेयर रूप में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हे रेकी के देवी देवता आप आए मौजूद रहें हमारी हीलिंग के लिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं, मेरे सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएं, हे रेकी के देवी देवता आप आए मौजूद रहें मेरी हीलिंग के लिए। दोनों हाथों पे चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, दोनों हाथों पे, पाम्स पे चोकुरे बनाएंगे, 3-3 बार बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे,
चोकुरे 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 कमरे में चोकुरे बनाएंगे, कमरे की छे होंगी शाम में, चोकुरे 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 छो दिशाओं में चोकुरे बनाएंगे। सेवन चक्रास पे चोकुरे बनाएंगे, वो शायद है नहीं। सेवन चक्रास पे चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे 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 थ्रोट पे चोकुरे चोकुरे। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं। आपने रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को बुला लिया, अब अपने हाथों को रब करेंगे। आप दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथ क्राउन चक्रा पे, हाथों को रब करने के बाद दोनों हाथ क्राउन चक्रा पे, और यहाँ पे विजुलाइज करेंगे चोकुरे 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 सेहकी सेहकी सेहकी। और गॉड्स एंड गाइड्स का थैंक्स करना है, अपना धन्यवाद करना है। रेकी गॉड्स एंड गाइड्स का धन्यवाद करके आप लोगों को वापस आना है। अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, जो लोग शेयर प्लीज शेयर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, आपको कुछ फर्क नजर आया रेकी वन और रेकी टू की हीलिंग से, सबको नींद आ गई है, सब रिलैक्स हो गए हैं काफी। हाँ मैम, कोई भी बाहर नहीं आना चाहता। मैम बहुत नींद आ रही है अभी। हाँ, रेकी करने के बाद बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है, बहुत गहरे में आप चले जाते हैं, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी। 1 घंटे की रेकी जो है 4 घंटे की नींद के बराबर होती है, आप पूरा दिन बहुत फ्रेश फील करेंगे। तो अब आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं, टच हीलिंग विद सिंबल्स। कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ मैम जी बताइए। मैम मैं ना पिछले सितंबर से हीलिंग कर रहा हूँ अपनी खुद की, जिसमें होंशा रेजोनेंस भी है ना, मैं इंक्लूड कर रहा था, तीनों सिंबल डाल रहा था, लेकिन आपने आज 2 सिंबल ही डलवाए, ऐसा क्यों मैम? दो सिंबल से ही हीलिंग करना है, कॉन्शियस इशू ने आपको डिस्टेंट हीलिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, उससे अपनी हीलिंग नहीं करनी। आप कर सकते हैं, मनाही कुछ भी नहीं है, देखो सिंबल्स कुछ नुकसान नहीं करते, बट लेकिन जरूरत नहीं है। आपने अगर यूज करा है तो कुछ गलत तो नहीं करा, तो अगर करा तो कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, गलत नहीं है, बट कॉन्शियसाइजेशन हम डिस्टेंट हीलिंग में यूज करते हैं, रेकी का कुछ नुकसान नहीं होता। हाँ जी सोनाली जी बताइए। मैं भी इतने सालों से कर रही हूँ, 15 साल से, तो हम लोग जो करते थे ना वो सेक की पहले करते हैं और चोकुरे बाद में करते हैं। पहले वो हंसा जैसोन जो डिस्टेंस होता है, फिर सेक की और फिर चोकुरे करते हैं, तो वो ऐसी आदत पड़ गई है। जर्नी
इट डजंट मैटर, अगर आपको वो ठीक लगता है आप वो भी कर सकते हो। रेकी में देखो कुछ जो सिंबल्स हैं कुछ उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, बट लेकिन जनरली चोकरी और सेहकी ही राइट तरीका है, क्योंकि आप एक एनर्जी को बढ़ा रहे हो और सेहकी मेंटल और इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। अगर आप कॉन्शियसनेशन यूज करते हैं कौन सा सिंबल, देखिए चोकरी आप समझो चोकरी होता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हम पहले तो चोकरी सेहकी बनाते हैं, और कुछ लोग चोकरे सेहकी और चोकरे भी यूज करते हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन करेक्ट है, गलत कुछ भी नहीं है, बट जो मैं यूज करती हूँ आप ट्रेडिशनली चोकरे और सेहकी यूज करती हूँ। okay. अगर आपने आपके लिए वो चोकरे सेहकी, क्योंकि रेकी में कुछ गलत नहीं होता ना, नेगेटिव एनर्जी कुछ होती नहीं है, तो जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे, और आपका सिंबल्स काम करते हैं आपकी इंटेंशन पे, आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। चोकरे और सेहकी मुझे सबसे करेक्ट अपने अनुभव में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ। ओके मैम, कुछ और प्रश्न है तो पूछिए। और आज आपने ट्राई एक मिनट ध्वनि जी, आप आज आपने टच हीलिंग देना है, तो टच हीलिंग देने से पहले अपने हाथों पे चोकरे, सेवन चक्रास पे चोकरे, अपने आप को प्रोटेक्शन करके फिर देना है दूसरों को, और आपने अपनी हीलिंग कर चुके हो तो अपनी हीलिंग करने से पहले आज आप सब लोग 15-20 मिनट प्रॉब्लम एरिया किसी और के फैमिली मेंबर दोस्त को हीलिंग करके आएंगे। या देखो रेकी में ग्रुप हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ध्यान देते हैं, वो भी अपना ध्यान देते हैं। देखिए पहले जमाने में 40-50 साल पहले हम लोग बहुत कनेक्टेड होते थे, एक दूसरे से मदद लेते थे और मदद देते थे। अब हम अपने अपने में बंद होते जा रहे हैं, अपने बाहर ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, कोई जिंदा है कोई मर गया है, कितने ज्यादा हम अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं। और पहले हर किसी को हर किसी की लाइफ के बारे में पता था, और एक कम्युनिटी एक कुछ भी होता था एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये आपके ही काम आएगा, अगर अभी से आपने कोर्स के लिए 15 दिन भी नहीं बचे हैं, आप लोगों से कनेक्ट हुई है। घर में मुसीबतें सबके आती हैं, कोई बीमारी हाली, जिन लोगों से आप कनेक्ट होंगे वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, जिनका आप ध्यान रखेंगे वो आपका ध्यान रखेंगे, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बियॉन्ड, क्योंकि इस समय हमें ना फुर्सत नहीं है दूसरों की, और जब हमें मुसीबत आती है तब वो लोग याद आते हैं। तो उससे पहले अगर हम अच्छे रिलेशनशिप बना लेंगे, नए लोगों से कनेक्ट होंगे, तो वो भी हमारे लिए खड़े होंगे। एक दूसरे का साथ देना आपके काम आएगा ये सब लोग। आप जब भी कोर्स भी खत्म हो जाए तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी, आप टच में रहिए ग्रुप हीलिंग में, ये ग्रुप आपका बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ बन गया, पावर बन गया, ये आपकी आर्मी है, समझिए ये आर्मी है 30-32 लोगों की। अगर भगवान ना करे हमारा कोई मेंबर हॉस्पिटल में है, अगर ये 30-32 लोगों को आपने कॉल कर दिया ग्रुप हीलिंग दो, तो ऐसे वो निकाल देंगे आईसीयू से, बीमारियों से। आप देख ही चुके हो 2020 में बीमारियों ने कितना तंग करा है, तो अपने को भी तो बीमारी आ सकती है ना। तो आप लोग प्लीज कनेक्ट होइए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपके लिए मैं आपके लिए खड़ी हूँ, आपके लिए टाइम दे रही हूँ, आप अपने लिए खड़े होइए, एक दूसरे के लिए खड़े होइए, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आपने कहानी सुनी होगी ना, 1 और 1 11 होते हैं, नहीं सुनी किसी ने कहानी सुनी है गट्ठर की, एक क्या है का सुनाइए कहानी, ये कहानियां नहीं है ये सच्चाई है, किसको आती है वो कहानी सुनाइए, अपने पास 10 मिनट है सुनाइए, ताकि लोगों को पता चले कि एकता में कितनी बड़ी वो होती है। वृंदा जी आवाज नहीं आई, संगठन, संगठन की ताकत आपने देखी, आरएसएस की ताकत देखी है आपने, कि आरएसएस एक कितना बड़ा संगठन बन गया है वर्ल्ड वाइड। तो ये रेकी का संगठन बनेगा या नहीं वर्ल्ड वाइड बताइए, बनेगा मैम बनेगा, अपने संगठन को बड़ा मजबूत बनाना है, यानी आदर्श भारत संस्थान के साथ मिलकर अपना योगा रेकी इन सब हेल्थ के लिए ये संगठन को बड़ा बनाइए, आगे लोगों से शेयर करिए योगा के बारे में, हेल्थ के बारे में,
उनकी हेल्थ का ध्यान दीजिए, तो अपने आप ही देखिए जैसा हम देते हैं ना वैसा लौट के मिलता है अपने आप को। मैम हमें या चक्र का या फिर पूरे वो बॉडी पार्ट कल दिखाया उसका किसी में से एक का ही करना है ना एक दिन में, आपके पास समय तो दोनों का कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आप रेकी दो बार कर सकते हैं, दिन में तीन बार कर सकते हैं, जब भी समय मिले। खाली समय टीवी देखने के आगे कोरोना की और ये मर्डर और ये सब सुनने से तो अच्छा है आप हीलिंग करिए, रेकी के वीडियोस देखिए, जितना हीलिंग दूसरों की हीलिंग करिए। मैं कुछ बात करूं मैम जी? हाँ आप कल मेरा बेटा था ना जी, हाँ उसको देखा आपने यहाँ तो हाँ। उसके लिए मैंने अफर्मेशन किया, मतलब वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, उसको अभी इंटरेस्ट है स्टडी में, पर अभी तो बात ये है कि उसको अच्छा नहीं लगता है, वो लिखता बिल्कुल नहीं है। तो अभी अपन सिंबल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सिंबल्स, तो हाँ। सिंबल्स और डिस्टेंस हीलिंग भी आप दे सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। तो पूछिए कोई डाउट्स कुछ कल के सेशन। हेलो अट्यूनमेंट का हिंदी का मतलब क्या होता है? शक्तिपात मैम। जैसे हम लोग कोई मंत्र के साथ हीलिंग करते होते हैं ना, तो इसमें हम क्या अपने मन ही मन में मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं कि चुप ही रहना है? देखिए आप वैसे तो हमारा दिमाग हर समय चलता ही रहता है ना, चैं चैं करता रहता है जी, तो हर समय ही हम बोलते रहते हैं, रेकी हमें रिलैक्स करता है। और आज हम सिंबल सीखेंगे तो हम क्यों 50 चीजें ऐड करें, मंत्र आप अलग से चैंटिंग करते हैं तो करिए क्योंकि मन आपका शांति नहीं होगा। आप रेकी का काम है आपको रिलैक्स करना, और आप दिमाग चलाने बैठ गए तो फिर मंत्र की तरफ जाएगा एनर्जी, तो आप एनर्जी को ग्रहण कहाँ कर रहे हैं? जितना आप इनवर्ड्स जाएंगे बिल्कुल शांत, मेडिटेशन का मतलब है शांत और रिलैक्स। और आज हम सिंबल्स ऐड कर देंगे तो आपकी मर्जी है, मैं मनाही तो नहीं करूंगी, बट लेकिन चैंटिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अच्छा मंत्रा चैंटिंग जब आप एक चीज करें तो एक पे ही फोकस करो, 50 जो रेकी है उस समय रेकी पे ही फोकस करिए, कि हीलिंग पे और रेकी के सिंबल्स, चैंटिंग तो अलग से कर दीजिए, अलग से हो जाएगा। थैंक यू मैडम जी। मैम एक बात पूछनी थी मुझे, ये लोग बोलते हैं ना जैसे रेकी से अच्छा होता है, वैसे कोई कोई लोग रेकी से किसी का बुरा बुरा भी करते हैं, तो वो सब सही होता है? होता है ऐसा कोई किसी का बुरा कर सकता है? आप बताइए रेकी तो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना? मुझे पता नहीं, पर बोलते हैं कि किसी को वश में करने के लिए या मतलब करते हैं सब लोग ऐसे। रेकी आपको जादू टोना लगता है? नहीं अभी तक ऐसा क्या हमने सीखा है जिससे हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं? आप अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं मतलब ऐसा बोलते हैं तो देखिए इंटरनेट पे बहुत कुछ बोलते हैं, आप सारी बातों पे विश्वास कर लोगे तो हो गया दिमाग का। चलिए ठीक है शुरू कर देते हैं। तो आज रेकी के सिंबल्स की बात करेंगे। आज हम रेकी 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रेकी का लेवल 2। रेकी 1 टच हीलिंग था, चक्रास था, हमने उसमें चक्रास की हीलिंग करी, हमने फुल बॉडी हीलिंग करी हाथों से। अब हम इसमें जो है सिंबल्स ऐड कर देंगे, सिंबल जिसे हम यंत्र कहते हैं, सबने देखे हैं यंत्र, पूजा पाठ के यंत्र होते हैं। हम लोग जैसे घरों के बाहर ओम बना के बना देते हैं तो उसकी ऊर्जा होती है, इसी तरह से रेकी की ऊर्जा कुछ यंत्रों पे काम करती है, एक तरह से उनके यंत्र हैं ये। तो रेकी 2 के सिंबल्स गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार से इनकी हमने एक उनको वो करना है पवित्रता, उनकी पवित्रता को ऑनर करना है। तो कोई चीज़ पवित्र होती तो हम ऐसे फेंक नहीं देते ना कि कोई भी उठा ले, भगवान जी हैं तो संभाल के रखेंगे। तो सिंबल्स हैं तो
ये कागज वगैरह पे भी बनाते हैं हम, तो उनको संभाल के रखते हैं या उन कागज को जला के उनकी पवित्र जो राख है वो हम गमले में या ऐसी जगह पानी में बहाते हैं, नाली में नहीं बहाएंगे। तो सिंबल्स आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे कागज पर भी, तो वो आप जो है उसकी वो उसको फेंकना नहीं है कहीं पर भी। तो हम रेकी के सिंबल्स करेंगे। रेकी के सिंबल्स जो है हमें एक बार बनाने होते हैं और तीन बार। एक पहला सिंबल है चोकुरे। चोकुरे का मतलब होता है ब्रिंग द पावर हेयर। ये पावर सिंबल है चोकुरे। अपनी कॉपी में बनाना है आपने, पेंसिल लेके पहले ऐसे लाइन आएगी, फिर नीचे आएगी और स्पाइरल 3.5। ये ध्यान से आपने बनाना है। एक बार ड्रॉ करने के बाद तीन बार बोलते हैं चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरे हाथों को आप देख पा रहे हो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दीपक जी आपका वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा ठीक से। नहीं हाँ थोड़ा दिखा है बट क्लियर नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है दीपक जी, वंडरफुल, बिल्कुल परफेक्ट। एक बार ड्रॉ करेंगे तीन बार चैंटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन शेयर। एक मिनट, ये मैं सबको देख सकती हूँ, नहीं देख पाएंगे। तो स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी पूरा सबको। तो आप लोग सिंबल को देख लीजिए, कॉपी पे बनाइए। एक बार कॉपी पे बनाना है आपने चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तीन बार चैंटिंग करेंगे। एक बार सब लोग मेरे साथ चैंटिंग करेंगे ताकि मेरे को सुनाई दे कि आपने ठीक चैंटिंग करा या नहीं। चोकुरे 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 चोकुरे। बस एक बार ड्रॉ करना है, एक बार बनाना है, तीन बार बोलना है। जब भी आप ये सिंबल बनाएंगे एक बार बनाएंगे तीन बार उच्चारण करेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। तो सबको बनाना आ गया चोकुरे? हाँ। तो चोकुरे को हमने कहाँ कहाँ बनाया जाता है? चोकुरे अपने पाम से बनाते हैं, अपने पाम पे बनाएंगे। देखिए मैं पांच उंगलियां यूज कर रही हूँ तो कोशिश करें पांच उंगलियां यूज करें। चोकुरे 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 चोकुरे। मैडम एक बार वापस बता दीजिए। हाथ पे बनाएंगे, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। चोकुरे 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 एक बार बनाते हैं, तीन बार टैपिंग भी करते हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मैडम अभी हाथ में बनाए? मैं आपको बता तो रही हूँ, आप लोग दोनों हाथ में बनाना है। आप देखें और सुने प्लीज। पूरे आपको आपको हाथों पे बना के तीन बार बनाए। चोकुरे 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 बोलिए नहीं, अभी बोलिए नहीं क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो अभी केवल मेरे को सुनना है, आप सिर्फ समझ लीजिए कि एक बार बनाना है। मन में तीन बार बोलिए, मन में बोलिए, अब मन में बोलिए चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मैं सिर्फ लाउड बोलूंगी ताकि आपको समझ आए। दूसरे दोनों हाथों पे बनाना होता है, लिख लीजिए। चोकुरे को हम दोनों हाथों पे बनाते हैं हथेलियों को एनर्जाइज करने के लिए। हमारे हथेली के जो पाम चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई भी हीलिंग वर्क करने से पहले चोकुरे दोनों हाथों को बनाएंगे। अब हम बनाएंगे सेवन चक्रास पे। चोकुरे को हम दोनों हाथों पे दोनों हथेलियों पे बनाते हैं। एक बार बनाते हैं तीन बार बोलते हैं चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तो उससे हमारे पाम चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद सेवन चक्रास पे बनाते हैं अपने सातों चक्र पे। किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, डजंट मैटर, ऐसे भी बना सकते हैं, साइडवेज भी बना सकते हैं, जहां पे आपको कंफर्टेबल होगा। तो चोकुरे 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 क्राउन चक्र पे सब लोग बनाएंगे अपने। चोकुरे 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 मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलेंगे, तीन बार रिपीट करना है। फिर बनाएंगे थर्ड आई चक्र पे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर गले के चक्र पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हृदय चक्र पे एक बार बनाना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर हमने बनाना है सोलर चक्र पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे।
फिर नाभी, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, फिर रूट चक्रा, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, जैसा बनता है वैसा, मतलब जो शेप है वो सही होनी चाहिए, बाकी बड़ा छोटा इसकी चिंता ना करें। तातो चक्र पे बनाने से आपका चक्र जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप बनाते हैं सातों चक्र पे चौकुरे, तो आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें एनर्जी फ्लो करने लगते हैं, इसलिए हम सातों चक्र पे बनाते हैं। दोनों हाथों पे बनाएंगे, सातों चक्र पे बनाएंगे। अब हम बनाते हैं अपने अपनी छह दिशाओं पे। हमारी छह दिशाएं कौन सी होती हैं? आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। क्लियर है सबको? छह दिशाएं होती हैं, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर और नीचे भी। तो अपने छह दिशाओं पे भी हम चौकुरे बनाएंगे। देखिए, तो हम ये सब हमारा, क्योंकि एनर्जी फॉलोस थॉट, तो हम सिर्फ विजुलाइज करें, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ये सर पे बनाया। फिर मैं विजुलाइज कर रही हूँ, ये मैंने अपने नीचे पाँव पे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, अपने साइडवेज, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, आगे और पीछे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। तो हमने छहों दिशाओं पे बना लिया। आपने छहों दिशाओं पे चौकुरे अपना बना लिया, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। अपनी छहों दिशाओं में चौकुरे बनाने से वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आपने बनाया अपने दोनों हथेलियों पे, अपने सेवन चक्रास पे, अपने छहों साइड में। अब आंखें बंद करेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे एक मिनट के लिए, और अपने आप को विजुलाइज करेंगे, एक व्हाइट लाइट पिरामिड आपके सर के ऊपर से आ रहा है। ऐसे विजुलाइज करिए, टेंट की शेप में, टेंट जैसे होता है, ट्रायंगल जैसे होता है, त्रिकोण जैसे होता है, त्रिकोण रूपी व्हाइट लाइट आपको सर के ऊपर से पड़ रही है। पिरामिड शेप की व्हाइट लाइट आपके सर के ऊपर से आ रही है, आपके आगे पीछे दाएं बाएं आपका बेस कवर करते हुए व्हाइट लाइट आपको प्रोटेक्शन में डाले हुए है, व्हाइट लाइट आपको प्रोटेक्शन में डाले हुए है। इसमें आप सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, आपका मन सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, अब बिल्कुल सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। अब आंखें खोल दें, आंखें खोल लें। तो प्रोटेक्शन में डालने के लिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलने से पहले खुद को प्रोटेक्शन में डालना जरूरी होता है? नहीं, कोरोना का डर है, इन्फेक्शन का डर है, एक्सीडेंट का डर है, बहुत सारी चीजें हैं ना, नेगेटिव एनर्जी। और कई जगह ऐसे होता है, जैसे अपने लोगों में मानते हैं शमशान घाट, कब्रिस्तान, इस तरह वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो आप बच्चों को नजर लगना, ये सब चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? यस नो? यस यस मैम। यस मैम। नेगेटिव एनर्जीज होती है, नजर लगना, ये सब होता है। कोई आपको लगता है नजर लग गई है, तो अपने आप को प्रोटेक्शन में डालें, ये 12 घंटे तक प्रोटेक्शन फील काम करती है। इसी तरह से अपने कमरे को भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक कमरा है, बेडरूम है, और मैं चाहती हूँ ये पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, तो चौकुरे से मैंने सामने दीवार पे चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 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 चौकुरे चौकुरे चौकुरे। तो कमरे की छहों दिशाओं पे चौकुरे बना लिया मैंने, और विजुलाइज किया कि पूरा कमरा जो है पिरामिड शेप में लाइट में बंद है। क्लियर है ये बात? हाँ मैम। तो चौकुरे को आपने कमरे में बना लिया छहों दिशाओं पे, और खुद को पिरामिड शेप में डाल लिया, तो ये कमरे की प्रोटेक्शन हो गई। ऐसे ही आप अपने घर को विजुलाइज कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठे बैठे अपने घर की, घर का आगे पीछा, दायां बायां, ऊपर नीचे को विजुलाइज करके व्हाइट लाइट में डाल सकते हैं, व्हाइट लाइट पिरामिड में।
इसी तरह से आप जो है रात को सोने से पहले अपने घर को, अपने कमरे को, खुद को, ताकि नींद अच्छी आए, चोकुरे में, कोई बच्चा बहुत डरता है तो चोकुरे में डाल के कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले अपनी फैमिली में, अभी हम क्लियर है, अपने कमरे का प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन, घर का प्रोटेक्शन, ठीक है, दूसरों की प्रोटेक्शन विजुलाइज करें आपके हाथ के बीच में। हम लोग बोलते हैं एक सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है ना सबका, हर चीज का एक सूक्ष्म शरीर होता है। हम किसी भी चीज को जब हम विजुलाइज करते हैं तो उसका सूक्ष्म रूप हमारे हाथों के बीच में आ जाता है। तो अपने आंख बंद करके जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को अपने प्रोटेक्ट करना है उसका सूक्ष्म रूप उसको विजुलाइज करेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में वो है। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, रात को अपने यहाँ दिल्ली में तो बहुत चोरी का रहता है, उधर भी होता है आप लोगों के यहाँ साइड भी चोरी रात को होता है या नहीं? नहीं उतना नहीं होता। अच्छा तो होता है। मैं मेरी कल, मेरे बेटे की कल महंगी वाली साइकिल चोरी हो गई। तो अब रात को विजुलाइज करना है अपने हाथों के बीच में साइकिल, गाड़ी, कार, घर, कुछ भी, ज्वेलरी, पैसा, ऑफिस, उसको विजुलाइज करना है अपने हाथों के बीच में। क्लियर है? और उसको छहों दिशाओं में चौकुरे बनाना है। तो आपके हाथ में है, आपने आगे की तरफ बनाए चौकुरे, आगे जैसे उसके आगे बनाया चौकुरे, 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 साइड में बनाया चौकुरे, 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 पीछे बनाया चौकुरे, 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 इस साइड बनाया चौकुरे, 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 ऊपर बनाया चौकुरे, 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 नीचे की तरफ बनाया चौकुरे, 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 और विजुलाइज करिए वो व्हाइट लाइट पिरामिड में बंद है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है। तो किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज को प्रोटेक्शन में डालने के लिए आपने छहों दिशाओं उस चीज को विजुलाइज करना है, उसकी छहों दिशाओं में चौकुरे बनाना है, तीन तीन बार बोलना है, और व्हाइट लाइट पिरामिड में कवर करना है उसे, और मन में भाव रखना है कि वो सेफ और प्रोटेक्टेड है। एफर्मेशन देना है कि सेफ और प्रोटेक्टेड है। बेटा बाहर जाता है उसको प्रोटेक्शन में डालो, बेटा अमेरिका में है उसको भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं, पता है आपको ये बात? हेलो, बाहर आप जा रहे हो, बाहर आप जा रहे हो प्रोटेक्शन में डाल यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में भी अपने बेटे को प्रोटेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी फील्ड, जो एनर्जी है वो बहुत फास्ट जाती है आपकी थॉट, तो जो आप थॉट दे रहे हो उस समय कि वो प्रोटेक्शन में है तो वो प्रोटेक्शन में होगा। तो आपने उसको प्रोटेक्शन में पूरी तरह से डाल दिया, और कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कितनी भी दूर क्यों ना हो उसको आप डाल सकते हो। आप ऑफिस चले गए, घर में आपका कोई कीमती सामान पड़ा है और मेड आ रही है, उसको विजुलाइज करके चौकुरे में डाल दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ताले लगाना बंद कर दो कि चौकुरे मैम ने बोला है, चौकुरे अब तो हम घर खुला छोड़ेंगे और चौकुरे से ही प्रोटेक्शन करेंगे। आपकी आपने पहले छह दिशाओं में चौकुरे बना लिए, फिर पिरामिड में डाल दिया, तो आपने डबल प्रोटेक्शन कर दी, पहले पिरामिड कर दिया फिर छह दिशाएं डाल दी। तो मैडम पिरामिड का एक बार हमको दोबारा बता दीजिए कि पिरामिड में ऐसे एग्जैक्टली क्या विजुलाइज करना है, क्योंकि वो मेन पॉइंट वो है। आपको पिरामिड देखा है शक्ल? नहीं तो आप एक पिरामिड का फोटो सामने रख लीजिएगा, पिरामिड की शेप में लाइट आ रही है, सफेद रोशनी में कवर है, एक पिरामिड की शेप सबको पता है, पिरामिड तो शेप वो व्हाइट लाइट की, वो शेप व्हाइट लाइट की हो गई है। आपको शेप को विजुलाइज करना है कि जैसे एक रोशनी आ रही है, विजुलाइज ही तो करना है, इमेजिन ही तो करना है, मन में भाव ही करना है आपको कि वो है बस। अब आपको रोशनी दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ विजुलाइज करना है। ठीक है, अब दूसरे सिंबल पे आते हैं। ये सिंबल से एक ही सबको नजर आ रहा है, देखिए इसका जो है ऐसे पहले एंगल बनेगा, ये वाला छोटे वाला है 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 फिर 5 बनेगा, फिर बैक में दो कान, सहेकी सहेकी सहेकी,
सेहकी बना सेहकी सबको क्लियर हो गया है, एक बार बनाएंगे सब एक और तीन बार बोलेंगे सब एक साथ, बनाइए सब सेहकी 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 बनाइए हवा में, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे सब लोग, सेहकी 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 मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल है, मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल। तो ये मन की और माइंड की और हार्ट की लव इश्यूज को और माइंड की इश्यूज को हील करता है। मैम एक बार फिर बताइए दूसरा है उसके सामने वाला कैसे करना है। सेहकी 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 मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल है। आगे आपको प्रतिमा जी नहीं सामने वाला वो नीचे से ऊपर और फिर दो नीचे से ऊपर नहीं, आप देखिए 1 2 3 4 5 बना हुआ है, ये पिक्चर बना पहले ऊपर से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऊपर जा रहा है कोई तो बराबर है बराबर है बराबर है ज्योति जी बराबर है। तो अब इसको हवा में बनाना है विजुलाइज करना है। तो सेहकी मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल है, हमारे मन की और हमारे हार्ट की हीलिंग करता है, ये रिलेशनशिप की हीलिंग करता है, ये आपके इमोशंस को हील करता है, ये मेमोरी पावर को बढ़ाता है। आपने किताबों के लिए कोई पूछ रहा था अभी, आप चाहते हो कि किताबों को अच्छे से मेमोराइज हो तो उस पर सेहकी बनाएंगे। किताब आपने ली, किताब कोई भी सपोज ये किताब है तो आपने ये सेहकी सेहकी से किताब के ऊपर बनाया सेहकी 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 और से 4-5 मिनट आपने हीलिंग करी कि मेरे बच्चे को ये किताब अच्छे से याद हो जाए। रोज करना, ये नहीं कि एक दिन में उसको पूरी किताब रट जाएगी। मैम पहले 5-5 वाला करना है फिर वो राउंड वाला हाफ राउंड लेना है उसके बाद वो दो बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर दो बिल्कुल। थैंक यू। तो सेहकी मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल है। एडिक्शन है कोई चीज, आप लोगों में से कितने लोगों की चीजें गुम जाती हैं और मिलती नहीं है, कॉपी पेन चाबी गाड़ी की चाबी घूमती है, आप ढूंढते रहते हो, मेरी तो बहुत होती है, चेक भूल गई चाबी भूल गई, होता आप लोगों के साथ नहीं होता? जी मैम सबके साथ होता, होता है, है मैम। तो उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? सेहकी। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे? आपने उस चीज उस वस्तु को याद किया, जैसे कि कार की चाबी मिल जाए, विजुलाइज करेंगे मन में, इमेजिन करेंगे सेहकी 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 मुझे कार की चाबी दिला दे। आप देखोगे आप उस कमरे से गुजरे हो, आपको दिखाई नहीं दी और एकदम से दिखाई दे गई है। एक व्यक्ति की, एक मेरी क्लाइंट थी, उनकी गाड़ी चोरी हो गई, वो अपनी उसके लिए गई थी, अपनी बहन की गाड़ी लेके गई थी और गलत पार्किंग कर दी और वहाँ चोरी हो गई, तो उनको गिल्ट बहुत हुआ। तो फिर उन्होंने बोला दीदी आप हीलिंग करो, मैंने कहा आपको रेकी आती है आप खुद ही रेकी करो। तो उन्होंने चोर के माइंड पे सेहकी किया, उन्हें पता नहीं था कौन सा चोर है क्या है, उसके माइंड पे विजुलाइज किया सेहकी, जिन लोगों ने मेरी गाड़ी चुराई है जिसने चुराई है सेहकी सेहकी सेहकी, एफर्मेशन दी तुम्हारा भला हो, क्योंकि कोई भी जानबूझ के चोरी नहीं करता। तो सेहकी दिया, एफर्मेशन दिया और ऐसे हाथों के बीच में उसको विजुलाइज किया कि गाड़ी वापस आ गई है और 15 दिन के अंदर उनको गाड़ी वापस मिल गई। मैम एक क्वेश्चन था कि इसको ऐसे इमेजिन करके, जैसे जो चीज घूम गई है उसको इमेजिन करके ये सिंबल ड्रॉ करके 3 times सेहकी बोलना है। हाँ ड्रॉ करके 3 times सेहकी बोलना है। नहीं मतलब जैसे 1 time ही ड्रॉइंग इनफ है ना, मतलब 1 time विजुलाइज करके सिंबल को एक बार बनाना है 3 बार बोलना है। ओके मैम थैंक यू। आपको कोई भी सिंबल यूज करना है तो एक बार आप ड्रॉ करेंगे और 3 बार चैंटिंग करेंगे तभी वो एक्टिवेट होता है। देखिए 3 का महत्व होता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने यहाँ कहते हैं, और कोई भी हम जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो 3 बार बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, राइट। और क्रिश्चियनिटी में भी 3 का महत्व है, ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा वो बना हुआ है।
जैसे कि सूरज चांद सूरज चांद और धरती, तीन ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल, तो ये शेप्स पूरे, इसको हम सेक्रेट जो तीन है, तीन का महत्व है, तीन नंबर ट्रिग्नोमेट्री से पूरा हमने वो सारा नापा है धरती चांद और सूरज की दूरी को, तो इसीलिए हम तीन बार चैंटिंग करते हैं। तीन बार बोलने से कोई भी वचन या शब्द तीन बार बोलने से वो जो है ब्रह्मांड में चला जाता है, उसकी मैनिफेस्टेशन जो है एक परफेक्ट रूप से होती है। इसलिए थ्री टाइम्स, आप बहुत सारी एफर्मेशन की किताबें पढ़ेंगे उनमें थ्री टाइम्स 21 दिन आपने तीन का, मैं इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक निकोला टेस्ला का वीडियो देख सकते हो, उसने चर्चा करी है 369 नंबर की, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 369, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है 369 और गुप्त नंबर, तो तीन का महत्व होता है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो निकोला टेस्ला का। सही की बनाना है, क्लियर है, सही की मेंटल और इमोशनल सिंबल है। अगर आपको प्रोटेक्ट, आप बॉस के आगे जा रहे हो और आपको बॉस के गुस्से से डर लग रहा है, खुद को आपने क्या करना है, चौकुरे से प्रोटेक्ट करना है, चौकुरे से प्रोटेक्ट करना है। और बॉस के ऊपर कौन सा सिंबल बनाओगे, सेही का इमोशनल सेही। तो अब आप सामने बॉस हो और मैं सेही बना रही हूँ, ऐसे हाथ चला रही हूँ, तो बॉस क्या करेगा, थप्पड़ मारेगा ना। तो आपने क्या कैसे विजुलाइज करना है, सेही मन की आंखों से, तो आंखें भी नहीं बंद करनी है, विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा चौकुरे और सेही को विजुलाइज करना मेंटली माइंड में। अब आप मेरे को बताओ कि सेही की कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करोगे, जैसे चौकुरे की आपने क्रिएट करा, ऐसे सेही की बताओ कैसे करोगे, सब चुप हो गए हैं, इतनी इंटरेस्टिंग है सेही की। एक बार में एक जना बताइए प्रतिमा जी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं पार्किंग के लिए, जैसे जगह मिल जाए तो, हाँ कर सकते हैं, यस, उसके लिए आप रेकी कर सकते हैं कि दोनों सिंबल बनाए चौकुरे और सेकी, मेरे को पार्किंग मिल जाए। बहुत लोग चौकुरे और सेकी से इंटेंशन डाल के कि वो जगह स्पेस मेरे लिए खाली है, यस वेरी गुड वेरी क्रिएटिव। और बताइए और क्या यूज है, तो होटल में जगह नहीं मिल रही है कहीं पर जा रहे हैं, हाँ होटल खाली बुकिंग नहीं मिल रही है, तो सेकी यूज कर सकते हैं कि होटल वाला हमें दे दे, मान लीजिए होटल वाला पैसे कम नहीं कर रहा, ऐसा भी तो होता है ना, बार्गेनिंग कम नहीं कर रहा और आपके पास उतने ही पैसे देने के हैं, तो आपके से माइंड आप उससे बात भी करें और मन में सेकी भी डाल रहे हैं, राइट। अगर आपका हाँ जी कोई ओवरथिंकिंग करता है या कोई थॉट्स बहुत ज्यादा क्रिएट करता है तो उसको हम सही की दे सकते हैं ना, बिल्कुल। जो देखिए ओवरथिंकिंग तो सभी करते हैं, सबका माइंड है और एक दिन में सबको 50,000 थॉट्स आती हैं एवरेज, सब ओवरथिंकिंग करते हैं, सब माइंड का काम ही है थिंकिंग करना। नेगेटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो हाँ हम सही की करके उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, थैंक यू। तो उसके माइंड पे और हार्ट चक्र पे, कोई आपको रिलेशनशिप में लगे कि हस्बैंड जो है दिल की बात नहीं बता रहा, तो हार्ट चक्र पे विजुलाइज करेंगे और माइंड पे। कोई एडिक्शन हो, किसी बच्चे को कोई एडिक्शन है तो एडिक्शन के लिए भी सेकी कर सकते हैं। हाँ जी राजकुमारी जी बोलिए। मैम अब जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे मेरे बेटा बोर्ड में है और उसका ध्यान ज्यादा पढ़ने में नहीं है और पढ़ने में ज्यादा है, उसकी तो किताबों को सेकी देंगे और उसके माइंड को सेकी देंगे। जब आप अभी आप सीखेंगे दूसरों को देना तो सेकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंट हीलिंग अभी हम सीखेंगे आने वाले टाइम में, तो डिस्टेंट हीलिंग करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हाँ जी, कोई बैड हैबिट है तो वो हम रोकना चाहते हैं, जैसे थंब शेकिंग है या ऐसी कोई हैबिट जो कंटिन्यूस चल रही है, तो हाँ उसके माइंड पे सेकी डालेंगे ना। ओके, तो माइंड पे सेकी डालेंगे कि उसने और एफर्मेशन ये उसने रोक दिया है। ये थर्ड सिंबल है हॉन शा ज़े शो नैन, ये थर्ड सिंबल है हॉन शा ज़े शो नैन,
लेफ्ट टू राइट, पहले आप एक बार देख लो, पहली लाइन है लेफ्ट टू राइट वन, पहली लाइन वन वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ध्यान से आप देखिए, ये पहला वाला है, नोट कर लिया सबने, देख लिया? दूसरे वाले ड्रॉ करने दीजिए ना, ड्रॉ कर दे बाद में प्लेन, आप ड्रॉ करो, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने देख लिया या नहीं देखा? यस मैम, देख लिया। क्लियर है सबको? यस यस मैम। फर्स्ट पार्ट वन, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हॉर्न है, इतना पोर्शन हॉर्न है, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाले पे आ रही हूँ, यहाँ पे नंबर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, देखिए आप मेरे स्ट्रोक, आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं चार बार दिखा चुकी हूँ, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं देख रही हैं। मैंने आपको लेफ्ट पहला नंबर दिया, आप कॉपी पे भी देखिए ना, लेफ्ट टू राइट आ जा रहा है, एरो दिखा रहा है, वन बड़ा क्लियर एरो है, टू नीचे जा रहा है, फिर थ्री नीचे जा रहा है, फोर फाइव, आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, अलर्ट रहिए, थोड़ा आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंड वाला है शाह, तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट वन टू, नीचे आ रहा है स्लैंटिंग, थ्री फोर एंगल है ऐसा, फाइव, आप फिर से स्ट्रोक देखिए मेरा, ये है शाह, पहले वाला हॉर्न था, दूसरा वाला शाह, वन टू थ्री, अभी एंगल आ रहा है फोर, फिर लेफ्ट टू राइट फाइव, ओके मैम, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर है शाह? यस मैम। आप दो तीन एक डेढ़ मिनट और ले लीजिए शाह को समझने के लिए, एक बार और दिखा देती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव। मैम वो जो स्क्वायर बना रहे हो ना, उसमें नहीं पता चलता, समझ नहीं आया मुझे आप क्या कह रहे हो, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव में स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके चले हॉन शाह, जे पे चले, जे पे देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये है शाह, वन टू थ्री फोर फाइव, जे क्लियर है सबको, थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्लियर है, आगे चले, लास्ट वाली लाइन लास्ट में करनी है ननी, आप पूछो लास्ट वाली लाइन लास्ट में करनी है, खुद ही आप पूछ रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो, ऐसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब आगे चलते हैं, हॉर्न शाह जे, अब शो पे आते हैं, देखिए एंगल है वन, लेफ्ट को वन टू, एंगल बन गया थ्री फोर फाइव, सात बन रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, उसमें एरो भी दे रखे हैं, नंबर भी दे रखे हैं, अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, शो पे शो हो गया सबको, शो हो गया,
यस मैम। अब हम नैन पे आते हैं लास्ट वाला, तो ये स्ट्रोक देखिए बाहर है वन टू थ्री ऊपर आ रहा है, फोर अंदर है, फाइव बाहर है। एक बार फिर वन बाहर टू एंगल है छोटा सा, थ्री ऊपर आ रहा है, फोर अंदर है, फाइव बाहर है। वन ऊपर से नीचे वन टू थ्री ऊपर फोर फाइव, ये नैन है। मैम इसमें मैम फाइव नहीं दिख रहा है, फाइव नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मैम फाइव साम। ऐसे स्ट्रोक एंगल है और पीछे नीचे पांच लिखा है, देखिए ना मैं आप मेरे हाथ को भी तो देख सकते हैं। वन टू एंगल है, फोर ऊपर जा रहा है, सॉरी थ्री ऊपर जा रहा है, फोर नीचे है, फाइव फाइव बाहर की तरफ, ऐसे स्ट्रोक फाइव ऊपर से नीचे रहा, फाइव पांच मेरे को तो दिख रहा है, पांच क्लियर। वन बाहर है, टू ऐसा है, थ्री ऊपर जा रहा है, चार बीच में है, फाइव बाहर है। नहीं दिखा मुझे। वन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है सामने, वन नीचे आ रहा है एंगल, देखिए वन मेरा उंगली देखिए ना, मेरी मेरा उंगली किसको नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, सबको दिख रहा है मेरा हाथ, सबको दिख रहा है मेरा हाथ। हाँ जी मैम। तो मैं स्ट्रोक बना रही हूँ बाहर का, वन बाहर बनाया, वन ऊपर से नीचे, फिर टू ऐसे ले गई, थ्री ऊपर ले गई, फोर बीच में है, फाइव बाहर है, सिंपल है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा, मैं हाथ से भी दिखा रही हूँ, स्क्रीन भी दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे मुझे वन टू थ्री फोर फाइव दिख रहा है, फाइव बाहर की तरफ स्ट्रोक है। अब देख गया सबको, बन गया सबसे, अब पूरा एक बार में बनाओगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब पूरा हॉन्शन बनाओगे हवा में, कॉपी पे बनाओ हवा में, हॉन्शन हवा में बनाना है। सब लोग हवा में बना के दिखाएं, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 फोर फाइव, हॉन्शाजेशन एन हॉन्शाजेशन एन हॉन्शाजेशन एन हॉन्शा, तीन बार बोलना है, एक बार बनाना है, तीन बार बोलना है, ठीक है जी। अब हॉन्शाजेशन सब बनाएंगे, तीन बार बोलेंगे हॉन्शाजेशन एन। मेरे को कौन इसकी वो चैंटिंग सुनाएगा, ध्वनि जी चैंटिंग सुनाओ इसकी, मैं किसी को भी पिक करके बोलूंगी, इनको अनम्यूट कैसे करेंगे हम। हाँ मैम हेलो। हाँ जी हॉन्शाजेशन एन, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, हॉन्शाजेशन एन। देखिए मेरा नाम संगीता है, अब आप मुझे साधना बुलाओगे तो मैं सुनूंगी, नहीं मैम तो सिंबल काम नहीं करेगा ना। हॉन सा जे शो नैन, हॉन शा जे जे शो शो नैन नैन, हॉन शा जे शो नैन। हाँ तीन बार बोलिए, हॉन शा जे शो नैन, हॉन शा जे शो नैन, हॉन शा जे शो नैन। गुड नैन, एक मिनट मेरे प्लीज अपने आप मत बोलिए, डिस्टर्ब होगा। मैं किसी किससे पूछूं, दीपक जी आप करके सुनाइए मुझे हॉन्शाजेशन एन की चैंटिंग। दीपक जी चले गए कहीं, बीच में क्लास छोड़ के चले गए हैं, फिर पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगी। दीपक जी, श्वेता जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। हॉन्शाजेशन एन, नहीं 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 नहीं, दोबारा हॉन, हाँ शा, हाँ जे, हाँ सोने सोने, गुजराती नहीं बोलने का है
ये तो अपना ये जापानी भाषा है, तो अब थोड़े देर के लिए आप जापानी बन जाइए। हॉन शा जे शोनेन, शोनेन क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये गुजराती नहीं चलेगा। हॉन शा जे शोनेन, हॉन शा जे शोनेन, हॉन शा जे शोनेन। हाँ जी नीरा जी बोलिए। हॉन शा जे शोनेन, बिल्कुल गलत। हॉन शा जे शोनेन, हॉन शा जे शोनेन, हॉन शा जे शोनेन। नीरा जी हॉन शा जे शोनेन, दम लगाओ। ता जे शोनेन, जे नहीं है जे, जे 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 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोगों की जुबान में ना जुबान नहीं होता, जुबान होता है। जी, तो ये जे है, जे जी 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 नहीं जे जे, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अपनी। ये हफ्ते, ये पूरा हफ्ता आपका होमवर्क है। जे जे सीखोगी प्रोनाउंसिएशन बच्चों की तरह से। जेड वाला जे, जेड फॉर जिब्रा, जुबान, जुबान, जे जी, जी, जी नहीं जे, 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 जे। मैं इनको बोलो ज के नीचे बिंदी लगा दे, वो ज हो जाए। जे जे जे, अपनी जुबान को शोनेन, अपनी जुबान को ऊपर रखो। जबलानो जबलानो ज ज, हॉन शा जे शोनेन, हां हां जबलानो ज, हॉन शा जे शोनेन, शोनेन। वेरी गुड हॉन सा जे जे शोनेन, जे शोनेन, जे नहीं है, स्वाति जी नहीं है। चुप चुप चुप, मित्तल जी नहीं, गलत है। स्वाति जी मैम उनको बोलो जेरोक्स वाला जे, जे रहता है ना वो यूज। मैडम उनको है ना जे बोलने की आदत है, जिनको जे बोलने की आदत है उनके लिए मुश्किल होता है। तो आपको अपनी टंग, एक मिनट सुन लो आप, जिन लोगों को जा बोलने ना तो वो लोग मैं थोड़ी हिम्मत करेंगे अपनी जुबान को, जीभ को, जीभ को अपनी ऊपर तालू से लगा के जे प्रैक्टिस करो, जे तो निकलेगी। जे, जे, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना क्लास में बच्चों की, अपने बच्चों को, आपके घर में बच्चे होते हैं, अड़ोस पड़ोस में बच्चे होते हैं, उनको बोलो, उनसे सीखने का है कि जे की प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। तो अपनी जुबान को ऊपर लगाओगे दांतों पे तो ये आवाज निकलती है जे, यहाँ पे नहीं करना प्लीज, ठीक है। ये हमारा टाइम जाएगा, अब तीनों सिंबल्स का हम इनको अट्यूनमेंट की जरूरत होती है, शक्तिपात। अब हम शक्तिपात करेंगे। रिलैक्स करना है, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, पांव के नीचे कोई कुशन लगा सकते हैं, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अब आपने इसको आंखें बंद कर लीजिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, जो अट्यूनमेंट का वीडियो है। अब आप रेकी टू अट्यूनमेंट के लिए तैयार हो जाएं और मैं आपका अब अट्यूनमेंट करूंगी। तो मैंने जो है अपनी इस वॉइस के अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी डाल दी है, और आप जैसे जैसे विजुलाइज करोगे वो अट्यूनमेंट वाला एनर्जी जो है आपको मिलेगा। हमने चक्रास को पहले ही ओपन और एनर्जाइज कर लिया है। 15 मिनट्स लेटर, और आपके दोनों हाथों में, दोनों हथेलियों के चक्रों में तीनों सिंबल्स, उनकी पावर पूरी तरह से स्थित हो गई है, एनर्जाइज हो गई है। Just thank all the Reiki gods and guides. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करके आंखों पे रखेंगे। कौन शेयर करना चाहता है? एक करके, एक एक करके हाथ रेज करेंगे, फिर मैं बुलाऊंगी। हां जी वृंदा जी,
बोलिए वृंदा जी। हाँ, जब ही ये आप अटूनमेंट कर रहे थे तभी माथे पे बहुत भारी भारी लग रहा था। हाँ ऐसा लग सकता है, इट्स फाइन। अब ठीक है, आप कैसा फील हो रहा है? नहीं अच्छा ही फील, मतलब वो ऐसा नहीं, और ऐसे भारी भारी लगने से थोड़ी नींद आ रही है क्या, ऐसा लग रहा था। तो आप रिलैक्स हो गई हैं, तो अच्छी बात है, गुड। कोई और शेयर करना चाहता है? हाँ जी डेल्सी। मैम मुझे बहुत अच्छा फील हुआ मेंटली, और आप लास्ट में जो आप बोले थे ना वो हाथ में गर्मी, तो गर्मी भी फील हुई थी हाथ में। वेरी गुड, मैंने फील भी किया वो पाइप अंदर से धीमे धीमे जा रही है, उसमें रोशनी जा रही है। गुड तृप्ति, तृप्ति जी। हाँ बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे एनर्जी आ रही है, नींद आ रही थी वैसा लग रहा था, मतलब रिलैक्स्ड फील हो रहा था, और हाथों में एनर्जी फील हुई, गर्माहट फील हुई। Good. तो बहुत अच्छा लगा आज तो। तो ठीक है, अब हम सिंबल्स को एक बार रिपीट करेंगे, और ड्यूरिंग द वीक आपको सिंबल्स को याद करना। एक बार मैं आपको बता दूं कि आपका जो होमवर्क है इस कमिंग वीक पे, एक तो आपको सेवन चक्रास या फुल बॉडी ट्रीटमेंट करा था, दोनों से एक चूज करके आप लोग करेंगे रोज, उसको मिस आउट नहीं करना, आज आपने करना है। ये नहीं कि आपकी दो घंटे की क्लास है तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लेंजिंग नहीं करेंगे तो बॉडी जो है क्लीन नहीं होगी, एनर्जाइज नहीं होगी। तो एक तो वो आपने करना है, पूरा वीक कंटिन्यू करना है, इन सिंबल्स को यूज करना है। अब आपने चोकुरे बना के पानी पीना है, लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना है। अब आप तो अब सिंबल के जो चोकुरे हैं हम कैसे कैसे भी बना सकते हैं, अभी तो हमने हाथों से बनाया था, तो ये क्रिस्टल पेंसिल है, तो हम क्रिस्टल जो है वो एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो क्रिस्टल पेंसिल से भी आप कमरे में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी ऊर्जा और कई गुना बढ़ जाती है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, जैसे कमरे से मैंने क्रिस्टल पेंसिल से बना लिया। अगरबत्ती, अगरबत्ती सबके घर में होती है, अगरबत्ती से भी चोकरे बना सकते हैं जलाकर उसके धुएं से। ठीक है, क्लियर है? चोकरे 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 अगरबत्ती से बना सकते हैं, और आप जो है अपनी थर्ड आई से बना सकते हैं, जैसे आपकी ये थर्ड आई है तो थर्ड आई से चोकरे बनाइए, थर्ड आई से सब लोग बनाएंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब आंख बंद करके विजुलाइज करेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे और विजुलाइजेशन, चोकुरे की विजुलाइजेशन होनी चाहिए। आंखें बंद करें और विजुलाइज करें बिना सर को हिलाए, अब सर को हिलाए बगैर विजुलाइज करें कि चोकुरे बना है। आपके दोनों हाथों पे विजुलाइज करेंगे, आंखें बंद करके चोकुरे चोकुरे चोकुरे, दोनों पाम्स पे विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, जिसे कहते हैं इमेजिन। विजुलाइज कर पा रहे हैं सब लोग? प्रैक्टिस करने का, वेरी गुड। अब सहकी सहकी, अब आपने जैसे क्रिस्टल पेंसिल है इससे आप सहकी हवा में बना सकते हैं, सहकी सहकी सहकी, ये किसी और के सामने नहीं करना है, ये जब आप अकेले हो तभी यूज करना है, ताकि दूसरों को आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देनी चाहिए। और सहकी को आपने विजुलाइज करना है, अगरबत्ती जलती अगरबत्ती से भी सहकी बना सकते हैं, रूम में क्लीन करने के लिए, ताकि आपका मेंटल और इमोशनल स्टेट अच्छा रहे। सहकी को आंख बंद करके विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए कि सहकी बन रहा है या नहीं, सहकी 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 बन रहा है, क्लियर है? यस मैम, सबसे बन रहा है सहकी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होनशा जेशुनेन पे आ जाती हैं जो सबको, तो मैं होनशा जेशुनेन बना रही हूँ, मेरे स्ट्रोक्स आप देखेंगे, मैं इसे बनाती हूँ पेंसिल से, 1 2 3 4 5 ऑन 1, कौन कह रहा था आप रिपीट करके दिखाओ, शा जे शो नैन, बनाइए सब लोग हाथ से बना के दिखाइए मुझे, और तीन बार बोलना है, सब एक साथ बनाएंगे ताकि सब एक, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत जाती है। वेट 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 वेट, 1 2 3 स्टार्ट,
सबका बन गया है, तो सब इकट्ठे एक बार बोलेंगे हॉन वेरी गुड। तो ये हॉन शाह ज़े शोनेन किसी ने पूछा नहीं है किस लिए काम करता है। ऊट पटांग क्वेश्चंस तो पूछ लेते हो जो रेलेवेंट नहीं होते। मुझे मन में आया था पर मुझे लगा कि आप कल बताओगे डिस्टेंस हीलिंग के लिए। हाँ वेरी गुड। किसने बोला ये? जतिन जी। जतिन जी आपकी शक्ल पे आपके दर्शन तो हो रहे हैं, आपकी पहली बार आवाज सुनी है शायद हमने। दर्शन तो दीजिए जतिन जी। जी थैंक यू जतिन जी। तो ये डिस्टेंट हीलिंग सिंबल है, ये ब्रिज का काम करता है। ब्रिज समझते हो, पुल का काम करता है। दो व्यक्तियों को, दो समय को, दो सिचुएशन को जोड़ने का काम करता है पुल। तो किसी को अगर और ये हमारी बैक पे भी काम करता है, बैक इश्यूज पे। अगर मान लीजिए आप आपका जो बच्चा है या कोई भी लेटा हुआ है और उसको कोई बैक इशू है तो उस पर हॉन्शाइजेशन बना देंगे, ड्रॉ करेंगे और फिर हीलिंग करेंगे तो जल्दी वो ठीक होता है। तो ये हम अगले सेशन में, तब पहले सेल्फ हीलिंग करेंगे फिर डिस्टेंट हीलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हॉन्शाइजेशन का कार्य है कि अगर हमें फ्यूचर में आने वाली घटना को कनेक्ट करना है, जैसे कि इंटरव्यू देना है बच्चे को, या आपको जॉब के लिए जाना है, या किसी को शादी के लिए, या कोई आईसीयू में है उसको हीलिंग देने का है, या अमेरिका में किसी का वीसा लगने का है, तो इन सब चीज़ों के लिए हॉन्शाइजेशन का यूज होता है। तो अब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू लूंगी सबको, तो एक एक करके आप जवाब देंगे ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए आपको सिंबल समझ में आ गया है। तो पावर सिंबल कौन सा होता है? एक जना कोई हाथ रेज करेगा, पावर सिंबल कौन सा होता है? नहीं लोग ध्वनि बताओ। पावर चौकू, चौकूरे। वेरी गुड। और चौकूरे क्या काम करता है? कौन आंसर देगा? चौकूरे कौन? हाँ मित्तल बताइए। प्रोटेक्ट करता है चौकूरे, प्रोटेक्शन के लिए है। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, चौकूरे को प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं? कौन जवाब देगा? स्वाति जी आवाज नहीं आ रही। दोनों पाम में। हाँ प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पे ड्रॉ करते हैं स्वाति जी? हैंड्स में। नहीं बताओ श्रुति, बताओ इनको स्वाति जी को। ऑल द सिक्स डायरेक्शन पे हम ड्रॉ करेंगे और फिर एक पिरामिड को इमेजिन करेंगे जिससे व्हाइट लाइट आ रही है हमें। क्लियर है सबको ये? ज्योति जी क्लियर है आपको? स्वाति जी क्लियर है? छह दिशाओं में बनाना है, छह दिशाओं में बना के दिखाओ। सब लोग भूल गए हो, अभी तो सुबह की बात थी। सबको सीए की करने की जरूरत है, मेमोरी बढ़ाने के लिए। तीन बार बोलना है। हाँ एक बार बनाओ, तीन बार बोलना है। चौकुरे 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 चौकुरे। और फिर व्हाइट लाइट पिरामिड में बंद है तो किसी को दूर से प्रोटेक्शन डालना हो तो कैसे करेंगे श्रुति जी बताओ? दूर से प्रोटेक्शन करेंगे तो हम उन्हें इमेजिन करेंगे, अपने दोनों हाथ रखेंगे पर्सन को इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने के बाद में हम हमारे एक हाथ से पर्सन इमेजिन करते हैं, सेकेंड हैंड से हम सारे पावर्स उसके छह डायरेक्शन में देंगे एंड वही वापस से पिरामिड से लाइट उन पे गिर रही है, वाइट कलर की लाइट फ्रॉम पिरामिड, और फिर हम चौकुरे 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 कहेंगे। गुड। और कौन? तो और पानी, पानी से क्या होता है? पानी चार्ज। कौन बताएगा? पूरा बताओ, ऐसे चार्ज क्या होता है, कैसे चार्ज होगा पानी को, कैसे करना है? पानी के ऊपर चौकुरे बना के गिलास के ऊपर और तीन बार उसको हमने हीलिंग देनी है, 3 मिनट। हाँ गुड। पानी हम, हाँ। और एफर्मेशन करनी है। और एफर्मेशंस करनी है। हाँ ठीक है। तो ये कौन कौन पूरा हफ्ता पानी को चार्ज करके पीने वाला है? मैम एक पूछना था, क्या ग्लास ऑफ वाटर को चार्ज करके जैसे हमारे घर का जो मटका रहता है हम उसमें डाल के जैसे सारा दिन हम लोग वैसा पानी चार्ज पी सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरा सिंबल सेकी 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 किस लिए होती है? मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल है। मेमोरी बढ़ाता है, एडिक्शन दूर करता है, करेक्ट? रिलेशनशिप रिलेशनशिप और किसी को गुस्सा आ रहा है तो हाँ शांत कर सकते हैं। खुद को गुस्सा आ रहा है तो उसके माइंड और हार्ट पे सेकी बना के उसको शांत कर सकते हैं। और खुद को गुस्सा आ रहा है तो खुद के ऊपर भी यही प्रोसेस है। गुड। और अगर बॉस को गुस्सा आ रहा हो तो अपने ऊपर कौन सा सिंबल बनाओगे? चौकुरे। वेरी गुड गुड। जो आपसे एक ही क्लियर है सबको? हाँ मैम। अब हॉन्शाइजेशन पे आते हैं। कौन पूछ रहा है हॉन्शाइजेशन? देखिए 1 2 3 4 5 हॉर्न हॉर्न शा जे शो नेट सब बनाए हवा में सब बनाए ना? आधे लोग बना रहे आधे लोग नहीं बना रहे। हॉन्शाइजेशन 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 चलिए। गुड मॉर्निंग नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अभी 26 लोग हैं, 4-6 लोग अभी भी मिसिंग हैं। एनीवेज तो शुरुआत करते हैं शेयरिंग से। कैसा रहा आपका वीक? क्या क्या आपने क्रिएट करा? कोई सब लोग प्लीज वीडियो पे आ जाइए, बताइए। शेयरिंग से शुरू करेंगे कि पिछले वीक हमने क्या क्या क्रिएट करा, क्या क्या आपने लाइफ में सिंबल्स का यूज किया। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वीडियो। तो बताइए कौन शुरुआत करेगा कि आपने कहाँ कहाँ सिंबल्स का यूज किया? याद भी है सिंबल्स कौन कौन से थे? किसको याद है? यस मैम। धर्मेंद्र जी को। बाकी लोग भूल गए सिंबल्स? ब्राह्मी जी, बाकी लोगों को याद है सिंबल्स या भूल गए हैं? याद है मैम। मैम यस मैम याद है। कौन शेयर करेगा? कोई शेयर नहीं करेगा तो मैं भी नहीं बोलने वाली हूँ। मैम मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर किया था। कोई बात नहीं, दोबारा करिए। क्या था? आप यहाँ पे भी कर सकती हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे पता नहीं किसने पढ़ा नहीं पढ़ा। जब अच्छा, आप इस समय करें तो अलाइव हो जाता है। देखो आप जितनी बार शेयर करोगे ना तो वो एनर्जी, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो एनर्जी यूनिवर्स में क्रिएट हो जाती है, तो जो बेनिफिट मिला है वो आपको मिलता रहता है आप, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर ली है। हाँ तो हमारा सेशन चल रहा था ना लास्ट संडे। ये अपने को म्यूट करिए, आप किसके यहाँ शोर आ रहा है? अंकित भाई म्यूट कर दीजिए, कोई शोर आ रहा है बैकग्राउंड में। सिर्फ इनका तृप्ति जी का ऑन कर दीजिए। जी बताइए तृप्ति जी। हाँ तो हमारी गाड़ी एक्चुअली बंद हो गई थी बीच रास्ते में, मेरे पापा लेके गए थे तो वो आके वेट कर रहे थे मेरा सेशन कब खत्म हो तो मैं इसको भी साथ में लेके जाऊं। और वो कब से टेंशन में थे कि टो हो जाएगी गाड़ी, स्टार्ट नहीं होगी, तो आज कोई मैकेनिक गैराज खुला नहीं होता है, क्या होगा? उनको तो मतलब था कि होगी नहीं स्टार्ट। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते, आज ही अभी सीखी हूँ मैं तो। घर से निकलते वक्त पूरा हाथ में विजुलाइज किया कार को, चोकुरे साइन से किया 6 डायरेक्शंस, और यही मतलब सोचा कि नहीं स्टार्ट हो ही जाएगी, चल ही रही है गाड़ी है और सेफ है। और एक मतलब थॉट चल रहा था नहीं गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी, मतलब उतना कॉन्फिडेंस के थॉट से गई। और फिर मैंने ही बैठ के स्टार्ट की तो एक ही झटके में स्टार्ट हो गई। मेरे बोले हैं ये कैसे हो गया? वंडरफुल वंडरफुल।
वेरी गुड ट्रिपिंग कर लेके आई गाड़ी को. वाओ, तो ये थॉट प्रोसेस काफी काम करता है. हाँ बिल्कुल. आपने देखिए इस धरती पे कुछ भी जो है हर चीज अलाइव है. कोई भी चीज इस धरती पर डेड नहीं है. ये आपने सीखा है समझा है क्योंकि हर चीज ऊर्जा है. आपका जो गाड़ी है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो घर है, हर चीज में एक हम कहते हैं ना अपने देश में एक ट्रेडिशन है. हम पेड़ों को पूजते हैं, हम जानवरों को पूजते हैं, हम धरती की भी पूजा करते हैं. कोई नया घर बनाते हैं तो उसकी भी पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है. ये सिर्फ हम अपने देश में होता है क्योंकि हम जो है हर चीज को सम्मान देते हैं और हर चीज को हम एक तरह से परमात्मा मानते हैं. आपने देखा होगा कि पहले गाड़ी लाते हैं तो मंदिर लेके जाते हैं. कौन कौन ऐसे मंदिर से पूजा वगैरह करवाते हैं, है ना. तो जो लोग फिल्म प्रोड्यूसर वगैरह हैं, पिक्चर वगैरह हैं, तो वो नारियल फोड़ते हैं क्योंकि हर चीज में एक एनर्जी है, ऊर्जा. और जैसे हम अपनी वस्तुओं को वो एनर्जी देते हैं वो वैसा रिस्पॉन्ड करती हैं हमारे साथ. अगर आप अपने मोबाइल, जिसको हम कहते हैं हमारा मोबाइल है, अगर हम इसे प्रेम से रखते हैं, इसको हम एक एनर्जी पॉजिटिव देते हैं कि भाई तेरे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो लंबा चलता है मोबाइल, जल्दी आपका खराब नहीं होता. ये मेरा 5 साल पुराना मोबाइल है, इसको बहुत प्रेशियसली रखती हूँ. कितनी बार तो गिर चुका है, मतलब मेरा मोबाइल आज तक कोई ना टूटा है ना उसका. लोगों के अक्सर होते हैं पानी में गिर जाते हैं. मेरा आज तक 10-12-15 साल तो हो गए मोबाइल, ज़्यादा हो गए 20-25 साल से. मेरा कोई भी मोबाइल ने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी कभी गाड़ी ने मुझे धोखा दी नहीं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ. प्यार का मतलब अटैचमेंट नहीं होता. कई बार हमें बड़ा अटैचमेंट हो जाता है ना, मेरी ये गाड़ी ठोक दिया, उसने कैसे कर दिया, वो अटैचमेंट है. तो लव है कि भाई ये जो वस्तु है मैं इसका आदर करती हूँ और इसके लिए एक पॉजिटिव भाव रखती हूँ. तो ये लव एनर्जी अपनी हर वस्तुओं को देने का है, अपने कमरे को, अपने कपड़ों को, हर चीज को. जब आप लव एनर्जी देते हैं तो आपके साथ वो पिक करती है वो चीज. कोई भी डेड नहीं है, कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में डेड नहीं है. हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज में चैतन्य है. चैतन्य शब्द सुना है किसी ने? चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस. वेरी गुड. तो अब सिंबल्स के बारे में कौन कौन मेरे को एक बार रिवाइज कराएगा, मैं भूल गई हूँ सिंबल्स. तो कौन मेरा टीचर बनेगा? हाँ जी सुना लीजिए, आपकी आवाज यार अनम्यूट करिए. हंसा जेशोनेन सेकी और चोकुरे. तो उनका आपको मतलब कौन बताएगा, उनका क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो मैं अपने आप नाम पिक करूंगी. प्रतिमा जी आप बताइए, चोकुरे का क्या यूज होता है, कैसे ड्रॉ सिंबल को कैसे ड्रॉ करते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को. हाँ, फिंगर्स को साथ में रखते हैं, फिर ऐसे स्लीपिंग और स्टैंडिंग, फिर 1, 2, 3 and a half. चोकुरे, हाँ. चोकुरे चोकुरे अपने आप पर भी कर सकते हैं, अपने पूरे चक्र पर भी कर सकते हैं, अपने बच्चों पर, अपनी चीज पर, जिसको हम पावर एनर्जी देना चाहते हैं उस पर ये बनाते हैं और 3 बार बोलते हैं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे. तो ये प्रोटेक्शन एंड पावर सिंबल है, प्रोटेक्शन के लिए, पावर के लिए, एनर्जी जनरेट करता है. वेरी गुड. सेफ्टी के लिए. वेरी गुड. ब्राह्मी जी आप बोलना चाह रही थी ना? हाँ जी बोलिए, सेकी के बारे में बताइए. भामी जी सेकी के बारे में बताइए. सेकी के बारे में कौन बताएगा? सोनाली आप बताओगे सेकी के बारे में? एक के बारे में तो मैं थोड़ा भूल गई, लेकिन वो हंसा जेसोनेन है, वो सेकी तो भूलने के लिए तो है. सेकी भूलने से उसी से याददाश्त ठीक करता है सेकी.
एक्चुअल मीनिंग उसका मैं भूल गई, लेकिन वो हंसा जैसोनेन जो है वो ब्रिज बनाने का काम करता है। मैम सेकी के बारे में बताती हूँ मैं। हाँ बताइए। सेकी का साइन है उठी, क्या यहाँ समझ में नहीं आएगा। सेकी हमसे हम साइन करके उसकी तीन बार बोलेंगे सेकी सेकी सेकी, ये हमें किसी के लिए इमोशनली या मेंटली किसी को समझाने के लिए या उनका इमोशन कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो कल मैं अपनी एक क्लाइंट से बात कर रही थी और उन्होंने रेकी सीखी थी मुझसे, रेकी वन एंड टू। तो उन्होंने हस्बैंड जो थे वो गलत संगत में जाते थे जहाँ दारू वारू पीने का होता था, तो वो बस पीछे पड़ गई हस्बैंड के, मतलब रेकी से, वैसे नहीं रेकी करती थी रोज, और उन्होंने वो उस संगति में बैठना ही बंद कर दिया। तो कितनी सारी वाइव्स हैं जो चाहती हैं कि हस्बैंड वहाँ ना, हस्बैंड दारू वाली संगति छोड़ दे। कोई है ऐसा जो चाहता है कि अब मेरा हस्बैंड दारू वाली संगति छोड़ दे या कुछ भी, या कोई हैबिट को छुड़वाना चाहते हैं आप? हाँ सोनाली जी बताइए। बस वही ड्रिंक्स की आदत छुड़वानी है। हाँ। तो वो डिस्टेंट हीलिंग करेंगे, देखते हैं कल या परसों के टाइम वो करेंगे। तो डिस्टेंट हीलिंग से आप छोड़ सकते हो, सेह की वो उस लिए काम आता है, सेह की याददाश्त में, पढ़ाई लिखाई में, सब में काम आता है। शुरू करें अब हम नेक्स्ट ले जो है पोजीशन लेग्स की, नीज की, काफ मसल्स की। तो नेक्स्ट पोजीशन लेग्स पे काफ मसल्स, जैसे ये थाइज है हमारे, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, पाँव के सोल्स। ठीक है, ये पोजीशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप करिए, और फिर उसके बाद हम दोनों कंधे ऐसे भी कर सकते हैं, कंधे क्लियर हो रही है पोजीशंस। फिर बैक हार्ट चक्रा, दोनों हाथ पीछे, बैक हार्ट चक्रा। मैम ये लेट के करना है या बैठ के? आप बताइए कैसे कर पाएंगे। लेट के तो आपके पांव नहीं जाएंगे ना, हाथ नहीं जाएंगे पांव तक, जब तक आप योगा, जो लोग योगा चाह हैं वो लोग शायद कर पाए, आई डोंट नो, जिन लोगों ने योगा कर रखा है वो कुछ भी पोजीशन ले सकते हैं, बट ज्यादातर तो आप बैठ के ही कर पाएंगे ये वाली पोजीशंस। तो ये पोजीशंस आप ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? तो सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ के करेंगे ये थाइस वाली पोजीशंस। आंखें बंद रहेंगी, रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल करेंगे कि हे रेकी के देवी देवता आप मौजूद रहें। हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथ थाइस पे, आंखें बंद, एक बार में एक हाथ हटा के दोनों नीज, दोनों घुटने,
दोनों घुटने दोबारा कर लीजिए, घुटने कर लीजिए दोबारा। एक बार मैं एक हाथ हटा के काफ मसल्स पिंडलियां जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे आप हाथ रख सकते हैं। दोनों कंधे एक बार मैं एक हाथ हटा के दोनों कंधे चक्र एक बार में यही कहा था जाके बैक हार्ड चक्र दोनों हाथ कमर के पीछे। अब धीरे धीरे हाथ हटा के हाथ उठा के रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को थैंक्स करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। कैसा फील कर रहे हैं? रिफ्रेश्ड? यस मैम। तो ये आपने अगर कोई एक बार में कर सकता है तो एक बार में करे, और दो बार में चाहे तो दो बार में कर सकते हैं जैसे आज हमने किया है। तो ये हमने रोज करना है, एक आज तो कर ही लिया है। और आप लोग में से कौन दूसरों को हीलिंग देना चाहते हैं? इन लोगों के तैयार हैं लोग तो आपका जो व्यक्ति है उसको आप लिटा देंगे, जिसको आप हीलिंग देना चाहते हैं उसको आप लिटा देंगे या बैठा देंगे। बैठ के भी आप कर सकते हैं तो आप बैठ के भी उसे लेटा के सबसे अच्छा रहता है, वो लेटा रहेगा और आप बैठे रहेंगे। समझ गए आप? तो मैं आपको दिखा देती हूँ करना है हीलिंग या नहीं। आप करोगे हीलिंग? 5-10 मिनट के लिए करते हैं हीलिंग आप। हाँ, तो आपकी आंखें बंद रहेंगी और जैसे ये है इसको बच्चे को हम हीलिंग करेंगे। इसको मैं दिखा रही हूँ, इसको मैंने बैठा दिया है और जो भी प्रॉब्लम एरिया जैसे थकान है या कुछ भी है तो आपने रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल करना है कि हे, और अपनी हीलिंग करने के बाद दूसरों की हीलिंग करनी है। तो मैं तो खड़ी हुई हूँ क्योंकि डेमो देने के लिए खड़ी हुई हूँ, बट आप बैठ के ही करोगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस इस तरह से नहीं है कि मैं बैठ सकूं। तो जनरली आपका जो पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो फैमिली मेंबर है, उसे आप बैठा सकते हो या लिटा सकते हो। अब मान लीजिए उसको हेड में सर में दर्द है तो आपने रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल किया, अपने हैंड्स को रब करा और अपने हाथ 10 मिनट तक उसके हेड पोजीशन पे रख के उसको हीलिंग करेंगे। इवन माय कोई कर रहा है हीलिंग?
क्लियर है आपको? या यहाँ पे भी, यहाँ दर्द है तो यहाँ करेंगे, कंधों पे दर्द है तो कंधों पे करेंगे, या लेग्स में है तो थाइस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपना, थैंक यू मैम, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी किसी को करना है प्रैक्टिस, सबके पास है, या फिर हम इसको स्किप करें, आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे बाद में? हम लोग ट्राई करके आपको बताएंगे कल कि हमने किया। ठीक है, तो आप लोग आज जैसे हम किसी को रेकी दे रहे हैं तो उस टाइम हमको मन में खोलना रहता है, आपकी आंखें बंद होंगी और आपको मन में एफर्मेशन कर सकते हो कि ये स्वस्थ है, ये पॉजिटिव है, स्वस्थ है, रिलैक्स है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वो स्वस्थ है। मतलब अगर डायबिटिक है तो वो पैनक्रियाज उसके स्वस्थ हैं, लीवर का इशू है तो लीवर स्वस्थ हैं, तो ये आप एफर्मेशन बोल सकते हैं। और आंखें बंद रहेंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आंखें बंद रहेंगी। और मैम जैसे अभी हम सेल्फ हीलिंग कर रहे थे, हाँ। जब हम बैक साइड पे कर रहे थे, जो नेवल का बैक साइड है, जब हाँ। उस पोजीशन पे मैं कर रही थी ना, तो हाँ। मुझे कंटिन्यू बर्पिंग आ रही थी, ओनली उसी पोजीशन पे। नीचे गए या ऊपर गए तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, लेकिन जब उस पोजीशन पे ना, ओके, जो आ रहा है बॉडी में आ रहा है, नेचुरल है, जो भी बॉडी में हो रहा है वो नेचुरली तो है। आपकी बॉडी में कुछ निकल रहा है बर्पिंग से, कुछ ना कुछ इनडाइजेशन होगा, वो निकल रहा है। मैम एक्चुअली मुझे कंधे के बात का जो आपने हीलिंग बोला ना, वो समझ में नहीं आया था। कंधे के बाद बैक हार्ट चक्रा, बैक हार्ट चक्रा, बैक नीचे, पीछे पीछे रखना है, पीछे पीठ पे, पीछे पीठ पे, बैक हार्ट चक्रा, जो आगे हार्ट चक्रा था इसके जो आगे हार्ट चक्रा है, ऐसी बैक हार्ट चक्रा है पीछे। ओके, मतलब सारे जो भी करना है वो पीछे से ही करना है, मतलब हम लोगों को नाभि के नीचे वाला भी, स्वाधिष्ठान चक्र भी पीछे से करना है। हाँ, जो बैक की पोजीशन वो पीछे करनी है। तो सामने वाले को उल्टा देना है, उल्टा ना मैम, थोड़ा धीरे से। क्या क्या बोल रहे हो आप? जब भी पीछे का हम लोग रेकी करेंगे, पेशेंट को उल्टा लेके करना है ना, उल्टा सीधा, जैसे भी उसको कंफर्टेबल हो, आपको कंफर्टेबल हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, मेन चीज है कंफर्टेबल। और एक चीज, कई बार ऐसा होता है कि हमने जहां हाथ रखे, मान लो हमने हाथ रखे गले पे, प्रॉब्लम है पेट में, तो रेकी वहां भी चली जाती है जहां उसे जाना है। तो रेकी अपने आप में एक इंटेलिजेंस है, तो अगर आपने हाथ यहाँ भी रखे हैं तो वो पेट में भी जा सकती है। और कई बार ये है कि आपने यहाँ हाथ रखे बट आपका कई बार बीमारी पेट में है, तो आपका मन करेगा पेट पे हाथ रखने का। तो रेकी से एक तरह से का मैग्नेटिज्म पेशेंट और आपके हाथ के बीच में, बॉडी और आपके हाथ के बीच में एक मैग्नेटिज्म धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। आपको बॉडी में पता लगने लगेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट ने बताया नहीं है तो भी। जिसको हम देखी दे रहे हैं उसको आँख बंद रखनी है कि नहीं रखनी, आप बताइए। बताया नहीं आपने, आप बताइए, आप बताइए, रखना पड़ेगा जी, आप बताइए थोड़ा। आँख, वो आँख बंद करके करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद अपने उसे लॉजिक, आपके पास है तो आंसर्स हैं आपके पास, तो एक चीज आप समझिए, जब हम आंखें क्यों बंद करते हैं, कोई जवाब देना चाहता है इसका, कोई किसी के पास आंसर है? आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ध्यान कहीं और नहीं होता। वेरी गुड। और पेशेंट का भी ध्यान, क्योंकि अगर आप आंख खोलते हैं तो क्या होता है, आंखों से ऊर्जा निकल के बाहर की तरफ जाती है। इस समय मैं आपको देख रही हूँ तो मेरी आंखों की ऊर्जा आपकी तरफ बह रही है, तो इस समय मैं कुछ और कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। पर जब मेरी आंखें बंद है तो यही जो ऊर्जा बाहर बह रही है वो अंदर की तरफ होती है, आप समझो, एनर्जी। क्योंकि हम जहां जहां जो आंखें, अगर हम कान से सुनते हैं, कान से अगर बाहर की आवाज सुन रहे हैं तो बाहर ऊर्जा जा रही है, क्योंकि ध्यान वहां जा रहा है। एनर्जी फ्लो, जहां आपकी थॉट है वहां एनर्जी फ्लो करती है, याद है आपको, एनर्जी फॉलोज थॉट, ऊर्जा आपके विचारों को फॉलो करती है। तो जब आंखें खुली हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर फेंक रही जा रही है, आंखें बंद है तो ऊर्जा आपकी बॉडी में जा रही है आंखें बंद करके। तभी रात को सोते क्यों हैं? रात को आंखें बंद करके सोते हैं तो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर जाती है। क्लियर है आंखें बंद करने का? और आपके पेशेंट की भी आंखें बंद होगी। और हाँ, एक मजेदार चीज होती है, जब आप पेशेंट को हीलिंग कर रहे होते हो तो खर्राटे भरने लगता है, उसे नींद अच्छी आ जाती है, तो ये अच्छा साइन है, इसमें आप परेशान ना हो।
जब वो उठेगा तो एकदम फ्रेश और बहुत पॉजिटिव। तो कितने लोग आज हीलिंग करेंगे दूसरों की? वेरी गुड, मैं कर। तो कितनी yes, देर हीलिंग करनी है, कितनी देर हीलिंग करनी है दूसरों की? 15 मिनट्स। अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो कितनी देर करोगे? हाफ एन आवर। हाँ, तो प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास आज समय है तो अपनी भी हीलिंग थोड़ी देर और ज्यादा कर सकते हैं आप। तो आज हमारा रेकी वन कंप्लीट सा हो गया है। आप लोग ग्रुप हीलिंग, आप लोग कोई आसपास रहते हैं? आप में से कोई आसपास रहते हैं? कोई नहीं रहता आसपास। तो अगर टच हीलिंग में, अभी डिस्टेंट हीलिंग में तो हम करेंगे ग्रुप हीलिंग, बट टच हीलिंग में अगर एक ही परिवार का दो व्यक्ति रेकी के चैनल है और एक व्यक्ति के कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो दो लोग उसकी बॉडी को टच करके हीलिंग दे सकते हैं, उसको हम ग्रुप हीलिंग बोलते हैं। तो जैसे मम्मी पापा हैं, दोनों को हीलिंग आती है, बच्चा बीमार है तो दोनों ने हीलिंग करी तो कर सकते हैं। तो जैसे बुखार वगैरह है तो बुखार के लिए आप चक्रास पे हीलिंग कर सकते हो। तो और अगर टांगों में दर्द है तो सीधा टांगों पे हीलिंग कर सकते हो। बैक पेन है तो जहां जहां पेन है वहां पे हीलिंग कर सकते हो। तो इसका एक कोई भी फिक्स्ड नहीं है, बट जो एक रूल है कि आपने थोड़ा थोड़ा चक्रास पे कर दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया कहाँ करना है तो आपने एक एक मिनट चक्रास को कवर कर लिया और फिर प्रॉब्लम एरिया को भी कर सकते हो। क्लियर है ये मैडम? लेकिन हमने जब चक्र का जब उस दिन जो किया था चक्र का ऊपर फोकस करके, उसका जो इफेक्ट और हीलिंग और रिलैक्सेशन था वो आज जो करवाया इससे डबल था पे उसका, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। देखिए सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि और ये भी जरूरी नहीं है जिस दिन आपको चक्र पे ज्यादा अच्छा लगा हो उस दिन नेक्स्ट डे हो सकता है आपको चक्रा पे उतनी अच्छी हीलिंग नहीं मिली हो। कि किसी ने शेयर करा था वेडनेस, धर्मेंद्र जी ने शायद, कि वेडनेस के बाद उतना एनर्जी फील नहीं हुआ। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 6-6 मिनट, 5-5 मिनट अपने 7 चक्रास पे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों टेक्निक्स दे दी हैं। ज्यादातर रिकमेंडेड होता है कि आप फुल बॉडी हीलिंग करिए, अब आपकी चॉइस है, पर लेकिन ये रोज 21 दिन करना जरूर है। तो दीपक जी आप 2-3 दिन अगर लगातार फुल बॉडी हीलिंग करोगे तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। आप रेगुलरली करके देखिए फुल बॉडी हीलिंग। ज्यादातर सब लोग जिसके पास समय नहीं है, कई लोग बहुत कंप्लेन करते हैं टाइम का इशू है, वो लोग 3-3 मिनट 7 चक्रास का हीलिंग करें, पर मिस आउट बिल्कुल भी ना करें। क्लियर है ये बात? मैम मुझे पूछना था, किसी को अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है जैसे पैरालिसिस है किसी को, ऐसा कुछ है तो उसको कैसे दे सकते हैं? टॉवल है ना, चलो मुबारक। आप बात करी तो पिक्चर म्यूट करिए, म्यूट करिए जो बोल रहे हैं, म्यूट करिए अपने आपको। पिंकी जी आप बताइए, जो पैरालिसिस होता है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और कौन सा इफेक्टेड एरिया है, कौन है वो व्यक्ति? मेरे पेशेंट है, मैं योगा करवाने जा रही हूँ ना, प्राणायाम उनको है। तो उनको आपको रेगुलरली देना पड़ेगा हीलिंग, 21 दिन से 3 महीना भी लग सकता है ना, और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, और जरूरी भी नहीं है कि वो पूरा ठीक हो। तो इट रिजल्ट्स विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। जो ज्यादा क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें 21 दिन से 3 महीने लग सकते हैं। तो आप उनके ब्रेन पोजिशन पे देंगी, ब्रेन पोजिशन पे देंगी, और पैरालिटिक कौन कौन सा एरिया उनका? राइट साइड का पूरा है, और बोल नहीं सकते, पेट पे नहीं है पर वो बोल नहीं सकते। तो आप उनकी ब्रेन एरियाज को कवर करेंगी, क्राउन चक्रा को कवर करेंगी, थर्ड आई चक्रा को, जो 5 पोजीशंस थी हेड की उनमें ज्यादातर दीजिए, क्योंकि वहां से वो जो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन करता है। तो ब्रेन पोजीशंस पे, और थोड़ा थोड़ा आप बॉडी को भी दे सकते हो, पर लेकिन ये लंबा इलाज चलेगा, ये पेशेंटली आपको देना पड़ेगा। अच्छा तो ये रहता है कि उसके घर, जो आपकी पेशेंट है उसका कोई घर का मेंबर सीकर उसे रेकी करे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ग्रुप हीलिंग, जो लोग क्रॉनिक बीमारियां इस तरह की, 3-4 लोग कम से कम, उसे 3-4 घंटे हीलिंग की जरूरत है एवरी डे। तो मतलब 1 घंटे से भी, हाँ, तो वो ग्रुप हीलिंग हो उसकी और 3-4 घंटे और फैमिली मेंबर्स दें तो जल्दी ठीक होगा जी। और बताइए और कौन क्या पूछना चाहता है? संगीता जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये जो 21 दिन करना है
कंटिन्यूअस इसमें मतलब स्पेसिफिक कोई टाइम रखना है या कोई भी टाइम पे कर सकते हैं? आप बताइए आपको क्या टाइम सूट करता है। टाइम तो मैडम ऐसा होता है ना, कभी ये लगता है कि ये स्लॉट में ये करेंगे, सडनली वो स्लॉट में कुछ ना कुछ आ जाता है तो कभी कभी छोड़ना पड़ता है। देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग है ना प्रेजेंट रहा करिए पूरे सेशन में, क्योंकि मैंने ये 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को कि आप कोई भी टाइम हीलिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग में जिसको जो सूट करता है वो टाइम जो है वो अपना ले सकता है। ये बात मैं 2-3 बार पहले बोल चुकी हूँ, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम से जब मर्जी कर सकते हैं, बट विद इन 24 आवर्स। जैसे आपने आज करा है, आज समझिए 9-10 बजे है, नेक्स्ट 24 आवर्स में दूसरी बार हीलिंग जरूर कर लें। मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, जोश के साथ एक बार सब लोग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम ना एक्साइटमेंट और जोश के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए, एनर्जी के साथ, तो पूरा दिन एनर्जी बना रहता है ना। तो अभी 23 लोग आए, अभी 8-9 लोग रहते हैं, तो आप लोग कल का अनुभव शेयर करिए। आप लोग कैसा रहा आपका कल का दिन, किसी ने हीलिंग दी, क्या करा बताइए जी। बताइए ब्राह्मी जी, बताइए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। कौन शेयर करेगा, किसने हीलिंग दिया है कल, बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। ब्राह्मी जी बताइए, उनके आवाज नहीं आ रही। हाँ वृंदा जी बताइए, आप बताइए, उनकी आवाज नहीं आ रही। वृंदा जी बताइए। मैंने वो अपने खुद के लिए लिया और मुझे ऐसा लगा कि कल आपके वो जो आपने जो हीलिंग किया होगा, अगर जो भी एनर्जी दे हुई होगी तो उसके हिसाब से मुझे वो जो मेरे गर्दन में जो दर्द होता है वो कम हो गया है और काफी सारी एनर्जी हमारे मेरे शरीर में आ गई है, ऐसा महसूस हुआ मुझे। वाओ वंडरफुल, वेरी गुड। और बताइए, और आपने किसी को दिया नहीं हीलिंग? ज्योति जी आप कुछ कहना चाहती हैं? स्वाति जी बोलिए, स्वाति जी बोलिए। कल मेरी फ्रेंड है, मेरी बेटी है, उसका फ्रेंड है, उसको डेंगू हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज है, तो मैंने उसको री दिया है, अब आज पता चलेगा मुझे। तो देखिए अगर किसी को डेंगू है तो रोज दीजिए, एक दिन से काम नहीं चलने वाला है। नहीं मतलब मैंने कल सीखा था, तो मैंने आप बोले थे किसी को देना है तो मैंने कल दिया है। कितनी देर दिया आपने? मैंने आधा घंटा दिया, हाफ एन आवर। वेरी गुड, तो आज भी आप दीजिए, थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ाइए, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइज होते हैं या जो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको हमें ज्यादा समय देना पड़ता है। तो प्लेटलेट्स भी कम हो चुके हैं, तो आप दीजिए कि उसके प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। तो आपने टच हीलिंग दिया था? ऐसे इमेजिनेशन किया कि उसके प्लेटलेट्स बढ़ गए, उसका टेम्परेचर लो हो गया है, नॉर्मल हो गया है और उसको घर से छुट्टी मिल गई आने के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वैसे वेरी गुड। आज भी दीजिएगा। और बताइए, और कोई किसी ने हीलिंग का कुछ मिरेकल्स आप करो ना, यूज नहीं कर रहे हो आप रेकी को। ब्राह्मी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और शेयर करना चाहता है? मैं फिर सबका नाम लूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही ब्राह्मी जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। तृप्ति जी आप शेयर करिए, कल का दिन कैसा रहा, क्या आपको फायदा हुआ? नहीं, जो सुबह किया उतना ही मैंने किया, पूरे दिन में
नहीं हुआ। पूरा दिन कैसा बीता? वर यू फीलिंग मोर एनर्जेटिक? रिलैक्स्ड फील हुआ। तो सेशन में जो हीलिंग हुई इसमें तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था सारी थकान अभी जा रही है। वेरी गुड, तो नींद आती है और पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, राइट? हाँ, क्योंकि जो भी थकान थी आपकी मिट गई वो एक घंटे के सेशन में। हाँ, तो आज के सेशन में हम पास्ट लाइफ में जाएंगे, पिछले जन्म की कार्मिक चीजों को ठीक करेंगे। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है पास्ट लाइफ का ठीक करने में? सब लोगों का इंटरेस्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दिखे पास्ट लाइफ, और आपने बिल्कुल रिलैक्स होके हाथों को ऐसे ऊपर रख के बैठना है। आप लोग चोकुरे हॉन्शाइजेशन और चोकुरे बनाएंगे हवा में टू कनेक्ट टू द पास्ट लाइफ, ठीक है? और आपने सिर्फ ऑडियो को सुनना है, जो होगा वो होगा। इसका पहला चरण है कि आपने अपना रिलैक्स करना है, क्योंकि जब मन रिलैक्स होता है तभी वो देख पाता है। फिर उसके बाद शेयरिंग लेंगे, फिर बॉडी हीलिंग करेंगे। तो शुरुआत कैसे करते हैं हीलिंग की, कोई बताएगा? श्वेता जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। दोनों हाथों को रब करके फिर रेकी की देवी देवता को बुला के फिर एक जगह पे शांत जगह पे बैठ के फिर चोकुरे का हर एक चक्र पे हमको चोकुरे बनाना है और सेहे की बनाना है, और फिर सभी जगह हमको म्यूजिक के साथ 6-6 मिनट रेकी देना है अपने आप को। वो तो आप सेल्फ हीलिंग बता रहे हो, मैं सिर्फ प्रिपरेशन पूछ रही हूँ कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, सिर्फ शुरुआत बताना है। ब्राह्मी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपने पहले रेकी के देवी देवताओं को आह्वान करना है, तो हॉन्शाइजेशन में सबको याद है? नहीं तो अपना निकाल लो, हॉन्शाइजेशन एन हॉन्शाइजेशन एन हॉन्शाइजेशन, क्योंकि हम पास से कनेक्ट करते हैं हॉन्शाइजेशन एन से। तो सब लोग इकट्ठे शुरुआत करते हैं कि हे रेकी के देवी देवताओं आप मौजूद रहें, ये नॉइज आ रही है, आप लोग सब लोग म्यूट पे चले जाए। अंकित भाई सबको म्यूट पे डाल दीजिए। तो सब लोग प्रार्थना करेंगे कि रेकी के देवी देवता आप मौजूद रहें, मेरे को जो रेलेवेंट मेरा पास्ट लाइफ जो भी है कार्मिक चीजें हैं वो हील हो जाएं, जिनसे मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो अगर आपको पता है क्या क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसी का मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो वो सारा प्रॉब्लम्स मेरा दूर हो जाए और मैं स्वस्थ रहूं, रिलेशनशिप अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो आँख बंद करके बड़े दिल से आह्वान करना है आपका कि रेकी गॉड्स एंड गाइड्स, हे रेकी के देवी देवताओं, ब्रह्मांड में आप जहाँ भी हैं इस समय आप आए मौजूद करें। मैं अपने जीवन के पुराने कर्मों को हील करने का कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप मौजूद रहें और मेरे वो कर्म जो हैं वो हील हो जाएं, और मेरे लिए अगर रेलेवेंट है तो वो मेरे को उसके विजन आए। प्रार्थना करने के बाद आंखें खोलेंगे, अपने दोनों पाम्स पे आपने चोकुरे बनाना है, चोकुरे 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 चोकुरे। हम प्रिपरेशन के लिए बनाते हैं ताकि हमारा जो है एनर्जी फील आने लगे। दीपक जी पांचों उंगलियों से बनाना है, एक उंगली से नहीं बनाते, पांचों उंगलियों से या मिनिमम 2 fingers यूज करते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे भी पाम चक्रास में एनर्जी होती है तो वो एनर्जी जाती है, ज्यादा से ज्यादा उंगलियों का यूज करेंगे। आप लोग वीडियोस ऑन करें ताकि मुझे पता तो चले आप लोग गलती कर रहे हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगी, आपके भले के लिए है। आप लोग जहां गलती करेंगे मैं आपको बता पाऊंगी, आप नहीं ऑन करोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं सबको वॉच कर रही हूं, मेरी नजर आप लोगों पर रहती है। सरला जी गीता जी आपका ही भलाई है, उसके लिए ही बोल रही हूँ, मुझे क्योंकि आप जहाँ गलती करेंगे मैं आपको देख पाऊंगी बता पाऊंगी। अब कहाँ चोकुरे बनाना है? 7 chakras, चोकुरे 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 क्राउन चक्रा।
थर्ड आई चक्र चोकुरी 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 थ्रोट चक्र चोकुरी 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 हृदय चक्र चोकुरी 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 मणिपुर चक्र चोकुरी 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 स्वाधिष्ठान चक्र चोकुरी 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 रूप चक्र चोकुरी 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 फिर अपने आपको प्रोटेक्शन में डालना है अपनी छह दिशाओं में अपने फ्रंट पे चोकुरी 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 साइड में चोकुरी 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 लेफ्ट में चोकुरी 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 बैक में चोकुरी 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 ऊपर चोकुरी 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 नीचे बैक नीचे पांव के नीचे चोकुरी 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 अब अपने आप को विजुलाइज करिए पिरामिड के अंदर आप व्हाइट लाइट पिरामिड में बंद है ये आपने टेंट की तरह से पिरामिड बना लिया उसमें आप बंद हैं और प्रोटेक्टेड हैं व्हाइट लाइट पिरामिड रूप में आ रही है और मैं उसमें सेफ और सिक्योर हूँ अब आप अपने लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कमरे में भी बनाएंगे चोकुरे 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 पीछे चोकुरे 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 लेफ्ट में चोकुरे 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 राइट में चोकुरे 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 ऊपर चोकुरे 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 नीचे चोकुरे चोकुरे अब आप आह्वान करेंगे परमात्मा से कि आप मौजूद रहें और मेरे को बड़े प्रेम पूर्ण मेरे पास लाइफ की कार्मिक चीज़ों को हील करें और जो विजन जो मैं देखना चाहता हूं वो मुझे दिखाई दे जो मेरे लिए रेलेवेंट है वो दिखाई दे तो सबकी मौजूदगी को फील करें विजुलाइज करें जो भी आपके फेवरेट देवी देवता है वो आपके आसपास हैं अब आपने हवा में चोकुरे हॉन्शाइजेशन पहले बनाना है चोकुरे कनेक्ट करने के लिए आप ये ब्रिज का काम करता है तो ब्रिज के लिए हम बनाएंगे चोकुरे हॉन्शाइजेशन और चोकुरे हवा में तो आप अपने पास लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप बनाएंगे चोकुरे 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 हॉन्शाइजेशन हॉन्शाइजेशन और फिर से चोकुरे 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 एक उंगली से नहीं बनाते डेल्सी पांच उंगलियों से अब बिल्कुल रिलैक्स होके अपने हाथों को अपनी लैप में रख सकते हैं लेटना चाहे तो लेट भी सकते हैं थोड़ा नींद में ना जाएं बस ये ध्यान रखिए थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको कोशिश करें बैठ के ही पीछे टेक लगा ले किसी भी चेयर पे टेक लगा ले क्योंकि बैठे बैठे रहने में दिक्कत होती है तो पीछे टेक लगा के आराम से आप बैठेंगे चेयर पे बैठ सकते हैं बेड पे बैठ सकते हैं सब लोग रेडी हैं तो थम्स अप शो कर दीजिए मेरे को सब रेडी हैं तो फिर हम शुरू करेंगे सब लोग थम्स अप एक बार शो कर दीजिए मेरे को सब लोग रेडी हैं नीरा जी ये सब लोग रेडी हैं वेरी गुड तो सब लोग रेडी हैं तो अब आपने आंखें बंद करनी है स्क्रीन शेयरिंग करूंगी मैं अंकित भाई स्क्रीन शेयरिंग का सब आंखें बंद कर लेंगे हाथों को अपने थाइस पे रखें रिलैक्स करें हाथों को
तो शेयरिंग करें किसको क्या महसूस हुआ, कुछ विजन आया, क्या हुआ बताइए। दीपक जी तो बहुत रिलैक्स हो गए हैं, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथ पांव की उंगलियां चलाएंगे, वापस आएंगे। जी बताइए। डेल्सी बात कर रही हूँ। हाँ जी डेल्सी जी। एक्चुअली जो पिछले जन्म में जाना था ना, तो वहां पे मैं जा नहीं पा रही थी। बचपन में गई थी तो वहां पे मुझे थोड़ा दुख भी हुआ था, फिर पिछले जन्म में मैं पता नहीं हम जा ही नहीं पा रहे। बचपन में कौन सी घटना आपको दिखाई दी? वो जरूरी नहीं आपको दिखाई दे क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, जितना दिखा उतना दिखा। बचपन में कुछ दिखाई दिया आपको? क्या दुख था आपको? बहुत सेंसिटिव थी ना, तो कोई भी कोई मुझे बोल देता था तो मैं रोने लगती थी, तो अंदर अंदर बहुत वो तकलीफ, तो वो मेरे अभी जो अभी के जीवन में भी वो उसका इन्फ्लुएंस होता है। हाँ तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इंसिडेंट आपने देखा बचपन का बताएंगे तो हम हीलिंग कर पाएंगे। कोई जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आपने देखा हो उसकी हीलिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए क्या इंसिडेंट आपने देखा, पर्टिकुलर इंसिडेंट देखा होगा आपने, किस चीज का पेन है? एक बार मेरी मम्मी ने मुझे बहुत यानी डांटा था, वो पढ़ने के लिए ही था, लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव थी यानी इमोशनल बहुत थी, तो मुझे मॉम कुछ भी बोलती थी ना तो बुरा बहुत लगता था। आप तो ना इंसिडेंट जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि मैं 4 साल की बच्ची हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ और मैं घर पे आई हूँ तो मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, इस तरह का इंसिडेंट आपको दिखाई दिया होगा, तो इस तरह से ही बताइए क्योंकि वो इंसिडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी हीलिंग करनी है आपको। बताइए। मैं वो टाइम पे 10 साल की थी, मुझे वो दिखा और पढ़ाई में ही डांटा था मुझे, लेकिन वो उसका रीजन भी मुझे पता हुआ कि वो भी फ्रस्ट्रेशन में थी इसीलिए उसने डांटा, और वो मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत यानी मुझे मारा भी था मम्मी ने वो टाइम पे, यानी 2 चाटे मारे थे बहुत जोर के थे, वो मुझे बहुत अंदर से हर्ट हुआ था, तो मेरा माइंड पता नहीं वो टाइम पे मैंने ये वो मुझे याद आ रहा है, मैंने वो टाइम पे अभी गई थी तो मैंने देखा था कि वो टाइम पे मैंने वो दीवार पे वो नहीं हम जब मर जाते हैं तो हमें उस पे लेटाते हैं ना, तो मुझे अभी वो अभी जो किया ना तो उसमें याद आया कि वो मैंने दीवार पे वो पेंसिल से वो दोरा यानी ड्रॉ किया और उसमें मैं सो गई, यानी मेरा मैं बस अब मर जाऊंगी ऐसा मैंने सोचा। तो हाँ आप मरना, तो ये जो इंसिडेंट है ना इसका हीलिंग करने का है, तो आपका मम्मा मम्मी का फोटो लेके और अपना फोटो लेके उसको 10-15 मिनट से ही की रोज हीलिंग करना है कि मैं अपना मम्मी और अपना हर्ट और रिलेशनशिप हील करती हूँ और पास को छोड़ती हूँ। तो फोटो लेना है मम्मी का और अपना, मम्मी का और मेरा। हाँ फोटो लेके उसको हीलिंग भेजना है कि आई लेट गो ऑफ पास्ट। ये बाकी लोगों के लिए भी है, ये सिर्फ मैं डेल्सी से बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को भी अपने हर्ट और पेन इकट्ठे करके रखने हैं या उनको निकालना है, हम सबके होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ टीचर्स के साथ, तो ये काम सिर्फ डेल्सी के साथ नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के साथ भी कर रही हूँ। जिन लोगों को बचपन में माँ का बाप का किसी टीचर का, टीचर का अगर आपको शक्ल याद नहीं है डजंट मैटर, एक कागज पे आप लिख सकते हो उस टीचर का नाम उस भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है आप लोग शेयर ना करें। कई लोगों को मोलेस्टेशन होता है बचपन में, एक बच्चा होता है ना, बच्चा बड़ा वल्नरेबल होता है, तो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हैं आप लोग अगर शेयर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, अगर इस तरह के इंसिडेंट्स आपको याद हैं और आपको पता था उस व्यक्ति का नाम लिख के और अपना नाम लिख के कि मैं उस हर्ट को हील कर रही हूँ और उसको लेट गो कर रही हूँ, तो कागज पे लिख के पूरा इंसिडेंट कि मैं आपको भी माफ करती हूँ, और तो प्लीज लिख लीजिए कागज पे अपना और जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा बचपन में उसका नाम लिखना है, और लिखना है कि मैं आपको क्षमा करता हूँ करती हूँ, ये अनजाने में हुआ है, जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, और इस कागज पे चोकुरे और सेकी बनाए 10-15 मिनट रोज चोकुरे सेकी होंशन कागज पे बनाए, कोई देखे ना, और उसको 10 मिनट रख के हीलिंग भेजिए और फील करिए कि जो है आप दोनों हील हो रहे हैं, वो भी क्योंकि जिसने करा है वो भी बंधन में बंधी है और आप भी बंध गए हैं, तो आप दोनों कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। मैं अपने को भी मुक्त करती हूँ कर्म बंधन से और आपको भी मुक्त करती हूँ।
रीडिंग करेंगे 22 पॉइंट्स पे, याद है सबको? तो एक घंटे के करीब लगेगा, याद है 22 पॉइंट्स? आईज, क्राउन चक्रा। तो अपन तैयार रहेंगे रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को, लेटना चाहे तो लेट सकते हैं, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। मैम आप बोलेंगे ना कहाँ पे रखना है हाथ? हाँ मैं बोलूंगी। हाँ जी, तो आपने पोजीशन लेनी है अपने दो रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को याद करना है। तो आप लोग अपने हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों पे चोकुरे बनाएंगे और दोनों हाथ कप शेप में आइस पर शुरुआत करते हैं। आंखों पे विजुलाइज करेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सहकी सहकी सहकी। एक बार मैं एक हाथ हटा के दोनों हाथ क्राउन चक्रा पे सर के ऊपर दोनों हाथ विजुलाइज करेंगे चोकुरे 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 सेहकी सेहकी सेहकी। एक बार मैं एक हाथ हटा के मणिपुर चक्रा पेट पर चोकुरे 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 सेकी सेकी सेकी। सहकी सहकी सहकी। धीरे धीरे दोनों हाथ हटा के रेकी गॉड्स एंड गाइड्स का थैंक्स करेंगे। तो अभी बैक पोजीशंस रह गई हैं, तो आज जब भी आपको टाइम मिलेगा बैक की पोजीशंस करेंगे पीछे पीठ पे चोकुरे और सहकी से, और पूरा वीक आपने ये सेल्फ हीलिंग करने आई है, फुल बॉडी की करेंगे तो अच्छा रहता है, उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम एरिया ले सकते हैं। तो पूरा अब 21 दिन आज से काउंट कर लीजिएगा, 21 दिन आपने हीलिंग करनी है विद सिंबल सेल्फ हीलिंग।
कोई कुछ पूछना चाहता है? ये सर आपका सेल्फ फीलिंग का से। हाँ जी धर्मेंद्र जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स का बॉडी के कौन से पार्ट पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? देखिए एक बहुत लंबा विषय है नेगेटिव थॉट, इस पे कोई एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, बट जैसे हमने चक्रास की बात करी थी ना, लव का होता है हार्ट चक्रा से, ये हम वैसे काफ़ी डील कर चुके हैं शुरू के उसमें। लव की इश्यूज होती हैं हार्ट चक्रा पे, कम्युनिकेशन की होती हैं तो थ्रोट चक्रा पे, अगर माइंड से रिलेटेड होती हैं, डर होता है, भय होता है तो न्यूरो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और अगर आपको पावरलेसनेस फील होती है तो पेट पे, और अगर आपका कुछ लाइफ में प्लेजर फील नहीं होता, लाइफ में आपको लगता है बोरिंग है, थक गए हो, तो सेक्स चक्र इम्पैक्ट होता है। अगर लाइफ में आपकी पूरी चीज़ें फुलफिल नहीं, पूरा सारा सेवन चक्र से कनेक्टेड, हमने आप चक्रा ध्यान एक बार करिए, उस पर भी सारा ये दे रखा है। सबसे पहले इफेक्ट कौन से चक्र पर पड़ता है? धर्मेंद्र जी अभी मैंने आपको बताया है, अभी तो बताया है कि इमोशन आपका लव का फीलिंग्स का इमोशंस है आपके हार्ट चक्र पे पड़ेगा। सेवन चक्रास जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, फिर उनसे कनेक्टेड इमोशंस होते हैं। ये हमारा सेकंड या थर्ड क्लास का था, आप चक्रा मेडिटेशन आप सुनेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम। हाँ जी तृप्ति जी। हाँ मैम, जब पास्ट लाइफ का हीलिंग किया तभी जैसे बहुत बेचैनी हो रही थी। हाँ जी ओके। हाँ तो मतलब बहुत जैसे हार्ट बीट वो हो रही हो, बैठने का मन नहीं कर रहा था स्टार्टिंग से ही। अभी कैसा हो रहा है वो? अभी नहीं है बिल्कुल वैसा। तो फिर अब जो गया वो गया ना, पुराना नहीं लेके बैठे, क्यों बैठे हैं आप लोग पुराना लेके? वो तब हुआ, अब कैसा हुआ इस सेशन के बाद वो बात करिए। पुरानी चीजें छोड़ दीजिए ना, यही तो सिखा रही हूँ। पुराना किसी ने हर्ट करा, पुराना तकलीफ हुआ, उसको लेके बैठे हो तो आगे फ्यूचर में भी वही होने वाला है। जो हो गया उसको पीछे छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में आ जाइए। अभी अच्छा लग रहा है, अभी ठीक हो? हाँ अभी अच्छा लग रहा है। तो पुराना भूल जाओ ना, उसको डिलीट मार दो। कितने लोगों ने डिलीट मारा है अभी? आप उसको पीछे सेशन को लेके क्यों बैठे हो? और बताइए मैडम, ये जब भी हम ये क्रिया करते हैं तभी नींद आने लगती है या सर भारी होने लगता है, तो कभी सो जाए तो क्या करें फिर? बहुत बढ़िया है, नींद आना तो बहुत ही अच्छा है। रेकी में करते करते अक्सर नींद आ जाती है, तो ये तो रेकी के सिम्टम्स हैं कि आपको अच्छा रिसेप्टिविटी है आपका, सो जाइए। कराटे बनने लगते हैं लोग रेकी। नहीं फिर हमारा प्रोसेस तो आधा हो गया ना, अधूरा रह गया, तो फिर हाँ, तो जब जाग गए तब दोबारा करिए, बैठ के करिए। इसका इलाज यही है कि बैठ के करिए। वैसे तो रेकी में नींद आना अच्छी बात है ना, आप रेकी आपको इतना रिलैक्स करिए कि आपको नींद आ गई है, और अगर आपको लगता है कि तो आप अलार्म लगा लीजिए आधे घंटे बाद की, आपका नींद खुल जाए और बाकी एरिया आप कर पाए, क्योंकि रेकी में नींद आना तो अच्छा सिम्टम है। जैसे पेट पे रखे रखे हाथ आपके सो गए हो तो रेकी जाती रहेगी, और अगर आपको लगता है आप सो जाते हैं तो आप बैठ के करिए, लेट के मत करिए, क्योंकि लेट के ज्यादा गहरी रिलैक्सेशन में जाते हैं। तो ये आपने 21 दिन प्रैक्टिस करा, ये सबको क्लियर है? फुल बॉडी ट्रीटमेंट क्लियर है सबको? सब नॉट करके तो बताइए। यस मैम क्लियर। तो फुल बॉडी ट्रीटमेंट। हाँ जी वृंदा जी बताइए। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी नीरा जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ मैम, मैं पूछना चाहती थी, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, कल मैंने ना किसी को रेकी करी, फुल बॉडी ट्रीटमेंट, फुल बॉडी ट्रीटमेंट ना मेरा बहुत बेस्ट हुआ मैम। हाँ बस मेरे को ना एक क्वेश्चन था, जो अगर आप कहो तो मैं पूछ लो। मेरा ना कल मैंने किसी को रेकी करी ना मैम, तो मैं ना अपने आप को ना उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाई, ठीक है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसको ब्रेन को करी ना मैंने। तो मैंने जैसे मैंने सिंबल सीखा हुआ था उसको किया मैंने रेकी, तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पाई, पर मुझे वो लगता है प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब मेरी बॉडी में आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आ गई थी आपको? मतलब हैवीनेस लग रहा था मुझे अपने ब्रेन में बहुत ज्यादा, फिर मैंने सोल्ट वाटर से नहाई मैम रात को। आपको प्रॉब्लम रहता है क्या? आपको ऐसा प्रॉब्लम रहता है क्या? कहीं
तो जो लोग काफी बीमार रहते हैं वो लोग रेकी दूसरों की ना करें, जिनको अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं रहती। एक्चुअली उसने भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई, मैं उसको बहुत देर तक बात सुनती रही करती रही, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। हाँ तो आपको अगर लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाले हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को ना लें। वैसे होता नहीं, आप नमक के पानी से नहा लो तो आपका ऑरा, हाँ नमक का सेंधा नमक के पानी से नहा लो तो आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है। वैसे रात को मैम फिर मैंने वही किया, आपने आपको प्रोटेक्शन, आपने रेकी करने से पहले खुद को प्रोटेक्शन में डाला था? हाँ हाँ मैम डाला था, पर एक्चुअली हाँ हो गई थी मैम, वैसे मैं होती नहीं हूँ। और मैंने अपने को डिस्कनेक्ट भी किया स्टमक से करते हैं जो, हाँ। फिर मैंने रात को सोल्ट वाटर से नहाई ना तो मुझे रिलैक्स मिला, बस हाँ। यही मुझे थोड़ा बताना था अपना एक्सपीरियंस कि मैं सब कल ऐसा हुआ। तो वो कभी कभी हो सकता है किसी किसी को जिसकी ऑरा वीक होती है, जनरली जिसकी ऑरा वीक होती है या फिजिकली वो वीक या इमोशनली वीक होते हैं तो वो इमोशनली वीक होते हैं, तो इमोशनली वीक लोग, हाँ तो दूसरे की बात आपको ना डिटैच होके करना है कि भैया वो ठीक, बहुत ज्यादा उसको अटैचमेंट नहीं लेना क्योंकि आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, तो अपने को प्रोटेक्शन करना है अपनी हीलिंग करके, अपने सोलर प्लेक्सस पे आप 15 मिनट हीलिंग करें फिर दूसरों को दें। अभी बहुत ज्यादा हीलिंग के चक्कर में ना पड़े, 21 दिन पहले सेल्फ हीलिंग में ज्यादा ध्यान दें, कभी कभी दे सकते दूसरों को 15-20 मिनट तो आपको ये ठीक रहेगा, और प्रोटेक्शन और हीलिंग खुद करके तब दूसरों को दें। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती दूसरों को हील करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती है, हम बहुत अटैचमेंट से कर रहे होते हैं या अपना नेगेटिव एनर्जी हमारे थॉट्स में होती है, वजह से हम कैच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे सैटरडे को, और आपने ये सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ क्लेंजिंग करनी है जरूर, इसको मिस नहीं करना एक दिन भी, अगर आपने मिस किया फिर से 21 दिन करना है आपने, क्लियर है? ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन टाइम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अंकित भाई का धन्यवाद, वो बैठे रहते हैं मैनेज करते हैं हम सबको, थैंक यू मैम। और ये जो हमारा भारत योग संस्थान है इसका बहुत बहुत धन्यवाद, तो उस प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग ये साथ हो पा रहे हैं, और अपना भी धन्यवाद, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को जरूर रखना है अपने। थैंक यू, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।